धर लंक जरावा निम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवार आए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही समुहाए सास भगन तुम्हरो यश गावे उस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनि सा नारद सारद सहित सब कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि को विद कहि सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वर सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु ताई मधुर फल जान प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई जल दिलांग गए अचरज नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे ते राम दुआरे तुम रखवारे ओतनाज्ञा बिनु कैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहु को डरन आपन तेज समारोह आपे तीनों लोग हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन पर पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर से जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे सिद्धि नव निज के दाता सवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दास तुम्हारे भजन राम जी को बावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुबर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त काए और देव का चेतन धरई हनुमत से सर्व सुख करें संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीर जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव किनाई तू सतवार पाठ कर कोई छूटे वंदी महासुत हो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो इसे दिराते गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा जय नाथ जय महाडेरा पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभु सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भई सब संतन की जय 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 सीताराम हरि विश्वर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पागुं सुरे स्वाहा रामाय राम भद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः हरिः ओं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत् ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः हरिः ओं गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्पां कलिष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवै श्रियं गन्धं समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालां ओमौकदीये प्रतिमोदद्वं पुष्पवती प्रसोवरी
अस्वा चरित बरी पीरुदा पारयिष्णवः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः हरिः ओं यो नित्यमच्युत पदां भुजयुग्म रुग्म व्यामोहत सदितराणि त्रणायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूते सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आदस्य नाकुलपतिर्बकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रयुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य मादाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिशारकुलशेखरयोगिवान् भक्ताङ्घ्रिरेणु परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोष्म नित्यं गुरुमुखमनदीत्या प्राह वेदानदेतान् नरपति परिक्लिक्तं शुल्कमादातु कामा ससुरममरबन्धं रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुलतिलकं तं विष्णुचित्तं नमामि अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यानशेषां गुरुं श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहापूर्णौमुनिं यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं तटद्देशिणम् सेने सन्द्रियमिन्दिरासाचरं नारायणं तन्त्रये वेदान्तदेशिककटाक्षविविद्धबोधं कान्तोपयन्तयमिना करुणैकपात्रं वत्सन्नवायमनवर्धगुणैरुपेतं भक्त्या भजामि परवादिभयङ्करार्यम् साण्डिल्यावयवंसभारिदविदुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं भक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे श्रीमत्कश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्राळवपारगामि विदुषा मान्यं मनोजश्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरौ बुधबरे श्रीवासुदेवे रतम् वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं श्रीमते रम्यजामात्रमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासने भूयान्नित्यश्री नित्यमङ्गलं मङ्गलं यतिराजाय श्रीभाष्यामृतदायने सौलभ्यपरिपूर्णाय महापूर्णाय मङ्गलम् मङ्गलं गुरुवर्याय मङ्गलं गुणसिन्धवे बाधिभीतिकराय नित्यश्री नित्यमङ्गलं जयत्यतिराज फणिराज अवतारमणे प्रबलपासन्नतमोहरणमानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव रेति श्रीराम मायन जी कीरति कलित ललित सियपी आरति श्रीराम गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीक ज्ञान विशाल पवन सुत कीरत
वेद पुराने अष्टेत चहु शास्त्र सब ग्रंथन को समर्पयामी जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्य ग्रहणम् पुष्पै देवाभिवन्दनम् हरिः ओम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः तजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वीरसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पदये नमः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो। भ्याम नमः। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, अखंड भारत वर्ष की, श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की, श्रीमद् जगद्गुरु स्वामी जी महाराज की जय। जय सीता राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। विराज जाए, सब लोग अपना अपना आसन ग्रहण कर ले। आज कथा का पांचवा दिन है, छठा दिन है, दिव्य मंगलमय यहाँ अकबरपुर में विद्यालय परिसर में हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक प्रायोजक श्री पवन कुमार जी पांडे जी के सानिध्य में कथा चल रही है। आज की कथा में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे अयोध्या धाम से पधारे हुए रानूपाली स्थान आप लोग देख रहे हैं। जब आप लोग मोहबरा के रास्ते से निकलते हैं, जो बहुत बड़ी बाउंड्री है, लगभग 500 बीघा ज़मीन अयोध्या नगर निगम के अंदर
और उसके अंदर इनका आश्रम रानोपाली उदासीन संगत आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ के पूज्य महंत डॉक्टर भरतदास जी महाराज यहाँ पर विराजमान है मंच पर, उनका हम सभी लोग करतल ध्वनि से स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ में उनके सहयोगी श्री धर्मदास जी महाराज हैं और हमारे बड़ा भक्तमाल आश्रम के आचार्य पंडित रामचंद्र जी अग्निहोत्री जी, आप भी पधारे हैं इस कार्यक्रम में, इनका भी हम लोग स्वागत अभिनंदन। साथ में इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री लालता प्रसाद जी पांडे जी डिस्ट्रिक्ट जज साहब यहाँ पर पधारे हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो मंच पर पधारें और पूज्य महाराज श्री के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करें। जज साहब सपत्नी का है, माता जी को साथ लेके आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। माता जी भी आ जाएं और दोनों ही पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण कर और पूज्य महाराज जी श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। जज साहब लालता प्रसाद जी पांडे जी, अब मैं निवेदन करूंगा श्री हेमंत राय जी आप भी इस कार्यक्रम में पधारे हैं, आपसे भी निवेदन है कि आप भी सपत्नीक मंच पर आएं और पूज्य महाराजा श्री के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करें, महाराज श्री का माल्यार्पण करें। हेमंत राय जी, कप्तानगंज, वाह वाह वाह। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि महापुराण की जय। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय श्री सीताराम। बड़ा मंगलमय अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है भगवान की दिव्य कथा श्रवण करने का। ये लाभ बंधुओं, भगवान की जब विशेष कृपा होती है तब ऐसा लाभ मिलता है। पूज्य महाराज श्री की पहली कथा अभी इस लॉकडाउन के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री जी के आवास गोरखपुर में गोरक्ष पीठाधीश वहाँ पर पूज्य महाराज श्री की वाल्मीकि रामायण कथा हुई और उसके बाद ये दूसरी कथा इस लॉकडाउन के बाद में कार्यक्रम जो है अकबरपुर में इस दिव्य प्रतिष्ठान में हमारे पवन पांडे जी के प्रयास से यह कथा हो रही है और हम सभी लोग खूब आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और इस कथा के माध्यम से श्री अवध के संत महंत, देखिए यहाँ से आप जाओ आश्रम में ढूंढो महाराज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ मंच पर ऐसे दिव्य दिव्य विभूतियाँ आप सबको दर्शन देने के लिए आशीर्वाद देने के लिए आ रही हैं। तो ये निश्चित बात है पवन पांडे जी का ये प्रयास बड़ा दिव्य मंगलमय प्रयास है, संत महात्माओं को बुला करके आप सबको आशीर्वाद दिलाना। और इस समय में जो पूज्य डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज की दिव्य कथा चल रही है, एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा। हमारे यहाँ रामायण जी में एक बड़ी अच्छी बात गोस्वामी जी ने लिखा है और गोस्वामी जी ने कहा को बड़ छोट कहत अपराधु, किसी को छोटा और बड़ा कहना हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तुलसी का पत्र छोटा हो बड़ा हो टूटा हुआ हो खंडित हो कैसा भी हो, लेकिन तुलसी का पत्र तो तुलसी का पत्र ही है,
उसमें न्यूनाधिक महत्व तो नहीं होता है, महत्व तो उतना ही होता है। हमारे पूज्य महाराज जी की जो कथा की शैली है वो अपने आप में अद्भुत शैली है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो पूज्य महाराज श्री की वैदिक भांगमय को लेकर के एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आज इस देश का दुर्भाग्य है कि हम सब लोग सनातनी परंपरा में जन्म लेने के बाद भी सनातनी परंपरा को नहीं जानते। जन्म तो लिए हैं। कल मैं एक यूट्यूब पर देख रहा था, एक मौलवी अपने मदरसा के बच्चों से प्रश्न कर रहा था और इस्लाम के विषय में पूछ रहा था, तो जो जो पूछ रहा था वो सारा जवाब वो बालक दे रहा था, छोटा सा बालक था। वो व्हाट्सएप पर आया, देखने के बाद मुझे लगा अन्य लोग अपने धर्म की शिक्षा अपने बच्चों को किस प्रकार से देते हैं और हमारी स्थिति यह है कि हम इतना बताते हैं इतना कहते हैं। एक महात्मा ने कहा कि कहत कहत पाथर भय और सुनत सुनत भय ईट और बरसत बरसत देव थक गए परी ने एको छीट। हम इतना कह रहे हैं समझा रहे हैं सुना रहे हैं लेकिन इसके बाद भी हम अपनी जो वैदिक सनातन परंपरा है उससे बहुत दूर भगते चले जा रहे हैं। आपा पंथी मनमुखी फिरे टोल के टोल, अपने मन का धर्म बना रहे हैं। एक बात ध्यान कर लेना, धर्म तो धर्म रहेगा और धर्म की जो व्यवस्था प्रथम मुनि ने हरि कीरति गाई तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई, जो हमारे महापुरुषों ने निर्देश दिया है उस निर्देश का पालन करने में ही हमारा और आपका कल्याण है। इसीलिए पूज्य महाराज श्री से हम अयोध्यावासी बहुत प्रभावित हैं। क्यों? क्यों वैदिक भांगमय को नहीं छोड़ते हैं, चाहे रामायण की कथा हो चाहे भागवत की कथा हो चाहे अन्यान्य पुराण की कथा हो कोई भी कथा हो, लेकिन उस कथा में जो वैदिक भांग में है जो वैदिक व्यवस्था है जो वैदिक परंपरा है जो सनातन पद्धति है उसका पूज्य महाराज जी व्याख्या करते हैं। उसको सुनने के बाद हमें एक अच्छा संदेश मिलता है कि हमारे बीच में ऐसे संत महापुरुष हैं जो हमारे वैदिक व्यवस्था का भान कराते हैं, हमारी परंपरा का भान कराते हैं, हमारी सनातन संस्कृति का भान कराते हैं। तो ये सुन करके हम सबको बड़ा अच्छा लगता है, लगता है कि हमारे बीच में ऐसे विद्वान ऐसे संत महापुरुष, क्योंकि अब धीरे धीरे मंचों की व्यवस्था मैं आपको निवेदन करना चाहूँ, अभी चार दिन पहले हमारे अयोध्या में एक महापुरुष ने एक अश्वमेध यज्ञ कर डाला और पता किसी को लगी नहीं। यज्ञ कौन सा था? अश्वमेध यज्ञ, और पता किसी को लगी नहीं। और कुंड में आहुति केवल 5 पड़ी। तो हम कहते हैं कि यह वैदिक व्यवस्था का हास्य कराने की क्या आवश्यकता है? आप किसी के कल्याण की कामना करिए, क्योंकि हमारी जो सनातन परंपरा है केवल सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है। मैं मुसलमानों के लिए कहूँगा, मैं यहूदियों के लिए कहूँगा, मैं क्रिश्चियनों के लिए कहूँगा, मैं अन्य लोगों के लिए कहूँगा कि सब लोग केवल अपने धर्म की बात करते हैं अपने जीने की बात करते हैं, लेकिन एक सनातन धर्म ऐसा है, सनातन धर्म के मनीषियों ने महापुरुषों ने ये डिमडिम घोष किया, सर्वे भवन्ति सुखिना सर्वे संतु निरामया, सारे प्राणी मात्र सारे जीव मात्र सबके कल्याण की कामना करने वाला एक सनातन धर्म है। तो जो सबके कल्याण की कामना करने वाला है वो आपको गलत मार्ग पर ले जाए ये संभव नहीं है। इसलिए हमारे पूज्य महाराज श्री जहाँ भी कथा करते हैं प्रवचन करते हैं वैदिक व्यवस्था का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं, क्योंकि हम अगर रामायण नहीं पढ़ेंगे गीता नहीं पढ़ेंगे भागवत नहीं पढ़ेंगे तो अपने माता पिता का सम्मान कहाँ से करेंगे, अपने गुरुजनों का सम्मान कहाँ से करेंगे, अपने महापुरुषों का सम्मान कहाँ से करेंगे।
इसलिए हमें रामायण गीता भागवत क्या करती है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। ये रामायण क्या कर रही है, हमें जीवन जीने का तरीका बता रही है। हमारे देश में एक संस्थान की रचना हुई, उस संस्थान का नाम है आर्ट ऑफ लिविंग, आप लोगों ने सुना होगा, हमने भी सुना है, जिसके संस्थापक हैं पंडित श्री श्री रविशंकर जी। साउथ में बहुत बड़ा संस्थान है, मैं उनके संस्थान की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके संस्थान पे कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। उन्होंने जीवन जीने की कला, जीवन जीने का एक लक्षण उन्होंने लोगों के बीच में देने का प्रयास किया आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आर्ट ऑफ लिविंग आज नहीं, 500 साल नहीं, 1000 साल नहीं, करोड़ वर्ष नहीं, जब से सनातन की परंपरा है, जब से सनातन का उद्गम है, कोई उसका दिन डेट नहीं जानता है, लेकिन तब से हमारे महापुरुषों ने आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना कर दी और कहा महाजनों ये निकता सपन्था। हमारे महापुरुषों ने हजारों करोड़ों अरबों साल पैसे आर्ट ऑफ लिविंग की संस्था की स्थापना कर दिया और हम लोग उसी संस्थान को मान रहे हैं, उसी पर चल रहे हैं। हम जब छोटा सा भी कोई आपत्ति विपत्ति पड़ती है तो रामायण की चौपाइयाँ गुनगुना लेते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी। पढ़ा लिखा हो या बना बिना पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो या मूर्ख हो, लेकिन रामायण की इस चौपाई को तो प्रायः प्रायः सभी जानते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी। तो हम लोग उस परंपरा को मानते हैं। ये दिव्य कथा अकबरपुर में ये जो स्वर्गीय राजेश पांडे मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित है, इस कथा का एक ही उद्देश्य है कि मानव मानवता को सीखे, मानव अपनी सनातन संस्कृति में जीना सीखे, अपनी सनातन संस्कृति को आत्मसात करे। हम दूसरे की संस्कृति को बड़ी जल्दी आत्मसात करते हैं, जैसे छोटी कटा के रहना, मूछ बुरा के रहना, बुरा नहीं मानना, मैं इन सब विषयों में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन लोगों की एक परंपरा बन गई, भाई हम तो महात्मा लोग हैं, रुंड मुंड रहते हैं, हमको मत कह देना कि बाबा आप भी तो टकली करा के घूम रहे हो, क्या पता कह दो, कोई भरोसा नहीं है। तो भैया हम तो बाबा जी लोग हैं, हम लोगों के यहाँ तो भद्र रूपम तप्त चक्रम तुलसी गोपी मृतिका रामकृष्ण मंत्र से शिका सूत्रम कमंडलु, हम लोग तो भद्र रहते ही हैं भद्र रूप में। भद्र रूप का मतलब मंगल रूप में रहना, तो मंगल रूप हमारे लिए ही नहीं है, आपके लिए भी मंगल रूप है, आप भी मंगल रूप में रहिए। मंगल रूप का मतलब गले में कंठी हो, मस्तक पर तिलक हो, माथे पर चोटी हो, जनेऊ हो, और धर्म को आत्मसात करके जिए, तभी तो आप मंगल रूप का लाएंगे, तभी आपका मंगल रूप बनेगा। इसलिए इस कथा के दिव्य माध्यम से हम लोग दिव्य संदेश प्राप्त कर रहे हैं और ये कथा भगवान के राम राज्याभिषेक तक चलेगी। राम राज्याभिषेक तक आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी मंच के माध्यम से, एक बार महाराज जी को मैंने अयोध्या में एक लाइव कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम में महाराज जी को आमंत्रित किए थे और जब महाराज जी को आमंत्रित किए, भागवत की कथा चल रही थी, बहुत से लोग राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के लोग आए थे, महाराज जी को इधर ही कहीं आना था, कार्यक्रम में आना था, महाराज जी 5 मिनट के लिए पहुँचे और जब भगवान के कृष्ण के विवाह का वर्णन करने लगे तो उस विवाह में वर्णन करते करते महाराज जी ने कहा कि भगवान की 2 रानियां अयोध्या की भी थी, एक विवाह अयोध्या में हुआ था भगवान कृष्ण का, सुनकर के आश्चर्य हुआ। हम लोगों ने किसी विद्वान के मुंह से नहीं सुना कि अयोध्या में ही भगवान का विवाह हुआ था, एक रानी महाराज भगवान कृष्ण की अयोध्या की भी थी, ये बात बाद में पता लगी। लोगों ने दांतों के नीचे उंगली दबाया और कहा महाराज जी ये बात कहाँ से, मैंने कहा पूज्य जगत गुरु जी के द्वारा
प्रामाणिक बात ही कही जाएगी, अप्रामाणिक बात मंच के माध्यम से कभी नहीं होगी, क्योंकि महाराज जी का नियम है, सिद्धांत है, सनातन वैदिक परंपरा को जानते हैं। महाराज जी कभी गलत बात नहीं बोलेंगे। महाराज जी ने जो बात बोली वो आश्चर्य लगा लोगों को, कईयों के फोन आए। मैंने कहा भाई आपको 16,108 पटरानियों की बात तो बता दी जाती है, लेकिन 16,108 पटरानियों का नाम गिनाया जाए तो कोई विद्वान गिना नहीं पाएगा। कहाँ कहाँ कैसे कैसे विवाह हुआ ये कोई विद्वान बता नहीं पाएगा। ये तो वही विद्वान बता सकते हैं जो विद्वान अध्ययन करते हैं, शास्त्र में रचे पचे रहते हैं, रात दिन उनका एक ही काम है, शास्त्र का अध्ययन करना, शास्त्र को पढ़ना, शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखिए, रात दिन शास्त्र में ही रचे पचे रहते हैं। ऐसे विद्वानों के माध्यम से ही हम लोगों को अंदर का क्रीम जो है, अंदर का जो नवनीत है, वो ऐसे महापुरुषों के द्वारा ही मंच पर हम सबको प्राप्त होता है। क्योंकि दही दूध को गर्म करना, जमाना, दही बनाना, फिर बिलोना और बिलो करके फिर मक्खन निकालना, ये तो बड़े परिश्रम का काम है। तो जो विद्वान परिश्रम करते हैं, शास्त्र में रात दिन लगे रहते हैं, वही विद्वानों के द्वारा हम सबको कुछ मिल पाता है। आज मैं अभी आ रहा था रास्ते में, महाराज जी की कथा को यहाँ तो जो लोग सुन रहे हैं कम से कम 2-5 लाख आदमी YouTube पर हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर इस कथा को, अमर अकबरपुर से बाहर सात समुंदर पार अमेरिका में बैठे बैठे लोग भी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं इस YouTube के माध्यम से। तो खिमलासा में एक वक्त है महाराज जी की कथा भी प्रयाग के अर्धकुंभ में भी लाइव टेलीकास्ट हुआ था, कैंप से वो थे वहाँ पर, वो अपने मोबाइल को अपने टीवी से जोड़ करके और पूरा परिवार बैठ करके कथा सुन रहा है, और एक एक बात कथा के बाद में हमको फोन करके बताते हैं। मुझे लगता है कि अकबरपुर में कथा नहीं हो रही है, इस कथा को पूरे विश्व के लोग सुन रहे हैं। यहाँ से जो बात जाती है वो पूरे विश्व के लोग बात सुन रहे हैं, तो निश्चित बात है ये दिव्य संदेश अकबरपुर से जा रहा है। मैं आज इस मंच पर हमारे पूज्य डॉक्टर भरतदास जी जो संस्कृत के विद्वान भी हैं, हमारे रानोपाली उदासीन संगत के बड़े महंत हैं और हमारी अयोध्या के सबसे बड़े जागीरदार हैं, समझ गए कि नहीं? जागीरदार तो इनके ठाकुर जी हैं, हम लोग तो मैनेजर होते हैं, महंत तो 500 बीघे के सरबराहकार, सरबराहकार 500 बीघे के सरबराहकार। तो मैं आपसे निवेदन कर दूं कि हम लोग महंत तो एक पद है, प्रतिष्ठा है, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि हम सभी लोग अपने ठाकुर जी के मैनेजर हैं, अपने ठाकुर जी के प्रबंधक व्यवस्थापक आश्रमों के हैं। तो हम लोग तो भगवान की उस संपत्ति का संरक्षण संवर्धन करने के लिए महाराज जी ने, गुरु जी ने उचित समझा, जो ये व्यवस्थाएं संभलाई गई। तो पूज्य महाराज श्री रानोपाली आश्रम के पूज्य महाराज जी यहाँ पर उपस्थित हैं। कथा प्रारंभ हो उससे पूर्व मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि इस कथा की मंगल वेला पर हमारे पवन पांडे जी अकबरपुर वासियों को आपका दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हो, उसके बाद कथा के लिए पूज्य महाराज श्री से निवेदन करेंगे डॉक्टर भरतदास जी महाराज। हंस सनत कुमाराद्याम श्री चंदाचार्य मध्यमाम अस्मददैशिक पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् श्रौतवंशसमुद्भूतः श्रौतवंशप्रवर्तकः भक्तिवित्ते समुच्चेतः श्रीचन्द्रः पातु नो गुरुः श्रीचन्द्रः पातु नो गुरुः। अखिल ब्रह्मांड नायक भक्त वत्सल दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरणों में बारंबार नमन। कलिकाल की घनघोर इस मोहरूपी निशा में
भगवत प्राप्ति का जो उत्तम उपाय हमारे परमार्थनीय वंदनीय जगतगुरु डॉक्टर स्वामी राघवाचार्य जी महाराज जी जो शास्त्र के माध्यम से वैदिकीय वांग्मयी परंपरा की अद्भुत जो आचार्यों ने जो अपनी व्याख्यान दिया है, क्योंकि हमारी जो सिद्धांत है निःशस्त्रोऽयं वेदः, सांस ही मेरा वेद है, उस सिद्धांत को मत मतांतर के द्वारा हमारे आचार्यों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे गुरुजनों ने अपने चिंतन के द्वारा समाज को उस वांग्मयी में कैसे निष्ठा बने, ऐसे महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार नमन। मंच पर विराजमान परम पूज्य अर्चनीय वंदनीय बड़े भक्त माल के श्रीमान महंत अवधेश दास जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमन। मंच पर विराजमान श्रीमान धर्मदास जी, अन्य सभी महापुरुषों के बारंबार नमन। और इस जो समय काल वेला स्थिति है, जो कोरोना काल जो कि एक विश्व लेवल की महामारी के रूप में, उस समय भगवत चिंतन का प्राप्ति, भगवत चिंतन कैसे की जाए, उसका उत्तम व्यवस्था करने वाले हमारे परम पूज्य आदरणीय श्री पवन पांडे जी, आज महाराज जी का जो 9 दिवसीय रामचरितमानस के माध्यम से भगवान की लीलाओं का, भगवान की कृति का, भगवान के चरित्र के द्वारा समाज का, अभी महाराज जी कह रहे थे कि महाराज जी का जो चिंतन है भारतीय वांग्मयी की, जो वास्तविक जो महापुरुषों की चिंतन और ग्रंथों का चिंतन यदि हम करें, हमारे आचार्यों ने, हमारे महापुरुषों ने तत्त्व ग्रंथ, हमारे हिंदू समाज में कुछ वहापोह के लोग हैं, कहते हैं सनातन वैदिक परंपरा या हिंदू परंपरा में अनेक ग्रंथ हैं, किन ग्रंथों को हम माने, किन ग्रंथों को ना माने, परंतु हमारे आचार्यों ने, हमारे महापुरुषों ने सब ग्रंथों को मानने को कहा और सभी ग्रंथों से कुछ ना कुछ मिलता है। रामचरितमानस का श्रवण करें, भगवान के लीलाओं का श्रवण करें, और यदि हम पर्यालोचन करें, जीव भगवान के शरणागत तब होता है, दो अवस्थाएं, इस संसार के अत्यंत दुख से अगर दुखित हो जाता है व्यक्ति तो भगवान के शरणागत होता है, और दूसरी अवस्था हमारे चिंतकों ने कहा, जो विरक्त परंपरा में जीने वाले जो संत हैं वो भगवान के शरणागत इसलिए होते हैं क्योंकि भगवत चिंतन जब तक उनके जीवन में नहीं होगा वो संसार से बहिर्मुखी नहीं हो सकते। आप देखें, हम भागवत की पर्यालोचन करें, गोपी गीत में एक जगह बहुत अच्छे, गोपिकाओं ने विरह में, भगवान के विरह में, देखो विरह में कभी कभी दुख में व्यक्ति बहुत उत्तम बात भी कह जाता है, और कभी कभी भगवान सुखदेव जी कहते हैं गोपिकाओं ने वहाँ बहुत अच्छा संदर्भ में, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापः श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूमि गिणंतिये भूरिदा जना। गोपिकाओं ने बहुत अच्छा, भूरिदा जना के धनवान, उन्होंने लिखा इस संसार में कौन धनी है। तब कथा अमृतम, प्रभु आपका जो कथा है अमृतम, आपका जो कथा श्रवण करने का मतलब, आपका कथा जब श्रवण करता, अमृतम अमृतस्य पुत्राः,
हमारी वैदिकीय मांग वही में कहा था हम लोग किनके पुत्र हैं, अमृतस्य पुत्राः, हम उस अमृत के पुत्र हैं। क्यों हैं? कि भगवान के कथा को श्रवण करते हैं। कभी भी रीडितम किन लोगों ने कहा, विद्वानों ने, कभी मैंने यहाँ पर बताया है, हमारे आचार्यों ने कहा कभी शब्द का इसलिए यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, कवयः क्रांत दर्शया, कभी जो होते हैं क्रांत दर्शा होते हैं, वर्तमान भविष्य और अतीत का पर्यालोचन करने के बाद ही वह अपने कलम के द्वारा हमारे को दिशा निर्देश देते हैं। कभी भी रीडितम कवियों के द्वारा, इदितम मने स्तुतम कथितम कवियों के द्वारा कही गई, कलमसापहम भगवान के कथा जो है कलमस को हरण करने वाले, मैंने कलमस मने पाप को, पाप कैसे, हम इस हमारी जो मानसिक स्थिति है, हम जो मन से चिंतन करते हैं, जो मन के द्वारा अनेक पाप होते हैं, शरीर से हमारा जब मन अव्यवस्थित हो जाता है, जब हम अपने आप में व्यवस्थित नहीं रहते हैं, उसी समय हमारे इंद्रियों पर जैसे क्रोध आना, लोभ आना, मोह होना, अनेक विकारों का उत्पत्ति होता है। किसके द्वारा? मन के द्वारा, क्योंकि निर्विकार वह आत्मा है, आत्मा में कोई विकार नहीं हो सकता। यदि आप उपनिषद का अध्ययन करेंगे, वेदांत का अध्ययन करेंगे, तत्तद आचार्यों ने, सभी आचार्यों ने, वह चाहे जिस संप्रदाय, हमारे जो चतुर्विध संप्रदाय है, तत्तद आचार्यों ने अपने सिद्धांतों के द्वारा, अपने मतों के द्वारा आत्मा को निर्विकार माना है। आत्मा को विकारी किसी आचार्यों ने नहीं कहा। आप हम लोग रामानंद वेदांत भी पढ़े, रामानुज वेदांत भी पढ़े, आदि गुरु शंकराचार्य जी का भी वेदांत पढ़े, मत मतांतर उनका समझाने का सिद्धांत अलग हो सकता है, परंतु निचोड़ में वह निर्विकार परमात्मा एक है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। विकार कब होता है? जब जीव जीवापन्न होकर, मैंने इंद्रिया आश्रित हो जाता है, इंद्रियों के आश्रित होकर संसार में रमन करता है, उस समय हमारे जीवन में विकार आता है। इसलिए कहा उस विकार को दूर कौन कर सकता है? तब कथामृतम, आपका कथा ही, कलमसापहम श्रवण मंगलम, भगवान के कथा श्रवण मंगल का मतलब सुनने का वाद, वह कल्याणकारी कथा है। श्रीमदाततम, देखिए श्रीमद कौन है? भगवान है, परमेश्वर हैं, वह परमेश्वरततम पूरे जगत में व्यापक हैं। भूमि गिणंतिते, बोले वही लोग इस भूमि में गान करते हैं, भूरिदा जनाः, सबसे बड़े धनी कौन है? जो भगवान के कथा को श्रवण कराते हो, भगवान के कथा को सुनते हो। गोपिका कहती हैं वह धनी नहीं है जो भगवान के कथा का श्रवण नहीं करते हो, या भगवान के कथा को नहीं कहते, उनको धनी नहीं कहा। भूरिदा जनाः, ये जनाः भूरिदाः, इस भूमि में वही लोग धनवान हैं जो भगवान के कथा को श्रवण करते हो, भगवान के कथा को कहते हो। क्यों? कि यह जो शास्त्र सम्मत, जो हमारी भारतीय वांग्मयी जो परंपरा, अभी महाराज जी ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिना, हमारी जो सनातन वैदिकीय परंपरा है, सभी को सुखी कहता है, एक नहीं, एक देशीय परंपरा नहीं है, हमारी जो वांग्मयी है, भारतीय वांग्मयी चिंतन की धारा है। आप चिंतन करें, उन चिंतन के द्वारा अपने स्वरूप का, अपने स्वरूप के बारे में जानें, अपने शास्त्र के बारे में जानें। आज हमारे भारतीय वांग्मय में, हमारे हिंदू समाज में शास्त्रों के प्रति इसलिए चिंतन नहीं है कि वह बहिर्मुखी हो चुके हैं, और शास्त्र जो है अंतर्मुखी है, शास्त्र गुरु के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, महापुरुषों के द्वारा ही। यदि हम महापुरुषों के पास जाएंगे, विद्वानों के पास जाएंगे, उनके पास जाकर, आज हम लोग जाते हैं संसार विषयक प्रश्न करते हैं, शास्त्र विषयक प्रश्न नहीं करते हैं। संतों के पास हमारे आचार्यों ने, हमारे महापुरुषों ने, गुरुओं ने क्यों आश्रम बनाया? क्यों? कि संसार में तो आप रोज रमन कर रहे हैं, संसार के व्यवहारों में रमन करते हैं, परंतु आश्रम में क्यों जाया जाता है? आश्रम में इसलिए जाया जाता है श्रवण मंगलम, भगवान के जो चरित्र हैं, भगवान के जो गुणानुवाद हैं, शास्त्र में जो वैदिकीय वांग्मय में जो परंपराओं के बारे में बताए गए, उन परंपराओं को कौन बता सकते हैं?
महापुरुष संत आचार्य ये लोग आपको अपने स्वरूप का बारे में, आपके शास्त्र के बारे में, आपके कर्तव्यों के बारे में बताएंगे, तब जब आप एक जिज्ञासु होकर। इसीलिए हमारे यहाँ देखिए आचार्यों ने लिखा अथ धर्म, अथ शब्दानुशासनम, व्याकरण में भी देखिए शब्द का अनुशासन, अथ ब्रह्म जिज्ञासा में अगर ब्रह्म सूत्र कहते अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अथातो धर्म जिज्ञासा। जब तक आपके अंदर में जिज्ञासा नहीं उत्पन्न होगा तब तक आप कोई चीज़ का श्रवण नहीं कर सकते। जैसे आज एक आदमी के मन में हुआ कि भाई इस पुरुषोत्तम मास में अधिक मास में भगवान के चरित्रों का श्रवण किया जाए, उनके अंदर में जिज्ञासा हुआ और महाराज जी के सामने रखा अपनी प्रकटीकरण के कारण। इस महामारी में भी, कोरोना काल में भी, जो भार विश्व लेवल पर जो स्थिति है, ऐसा महामारी कभी नहीं आया। उस समय भगवान के, यही भगवान के चरित्र ही हम उस विनाशकारी जो है जिसके लिए हम लोग आज झेल रहे हैं उसको कौन दूर कर सकता है, भगवान के कथा। और महाराज जी के सामने उन्होंने जिज्ञासा रखा कि 9 दिवस से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की यदि पर्यालोचन करें, उनके चरित्रों के द्वारा विषम सम सम में भगवान का जो चरित्र है, सम परिस्थिति विषम परिस्थिति, भगवान का चरित्रों का श्रवण इसलिए किया जाता है कि भगवान कभी भी अपने स्वचरित्रेन शिक्षेरन, हमारे महापुरुषों ने अपने चरित्र के द्वारा समाज को सिखाया कैसे रहना है, कैसे चलना है। गृहस्थ परंपरा को भी, विरक्त परंपरा को भी, और ज्ञानी परंपरा जो हमारे ज्ञान परंपरा है, भगवान ने तीनों को उपदेश किया और उन परंपराओं को रामचरितमानस के माध्यम से महाराज जी की अद्भुत चिंतन, अद्भुत मनन, अद्भुत युक्तियों के द्वारा समाज को, देखो कोई चीज़ शास्त्र को पिरोया जाए, कोई शुद्ध चीज़ को अगर रखा जाएगा तो समझ बहुत कम आता है, परंतु उसमें हमारे भोजन जैसे व्यंजन होते हैं, उन व्यंजनों में अनेक प्रकार की व्यंजन हो तो भोजन स्वादिष्ट हो जाता है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने उस वैदिक परंपरा को, उस वांग्मय परंपरा को समाज को कैसे समझाया जाए, इसीलिए अनेक शास्त्रों के द्वारा, अनेक ग्रंथों के द्वारा, अनेक चिंतनों के द्वारा, अनेक युक्तियों के द्वारा हमारे आचार्यों ने, महापुरुषों ने इसको समझाया है। वही आज उसी परंपरा को हमारे परम पूज्य जगत गुरु श्री राघवाचार्य जी महाराज जी समझाते हैं। बस इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को श्री महाराज जी के चरणों में समर्पित करते हुए हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब का, ये स्वर्गीय राजेश पांडे मेमोरियल ट्रस्ट और पवन पांडे परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। आप आकर के हम सबको आशीर्वाद दिए। अब मैं पूज्य जगत गुरु जी के चरणों में निवेदन करूंगा कि कथा का शुभारंभ करके और इस राम कथा गंगा में जो लोग गोते लगा रहे हैं वो सब खूब आनंद को प्राप्त करें। पूज्य महाराज श्री से जयकारा लगाओ है, लगे कि लोग बैठे हुए हैं और पूरा वातावरण राममय हो जाए। हमारे संत जन कहते हैं भर्जनम भव बीजानाम, अर्जनम सुख संपदाम, तर्जनम यम दूतानाम, राम रामेति गर्जनम। राम नाम की ऐसी गर्जना हो कि भर्जनम भव बीजानाम, संसार का जो कर्म बीज है वो भुन जाए। जैसे भुना हुआ बीज कभी जमता नहीं, बीज को अग्नि में भुन दो तो फिर वो जमेगा नहीं। तो कर्म के बीज से ही संसार का संबंध चलता है, संसार चलता है। तो कर्म का बीज अगर भुन जाए तो फिर दोबारा वो अंकुरित नहीं होगा। अर्जनम सुख संपदाम, हमारे जीवन में सुख संपदा का अर्जन हो। तर्जनम यमदूतानाम, यमराज के दूत हमसे दूर चले जाएं भयभीत होकर, इसका उपाय क्या है? बोले राम रामेति गर्जनम, भगवान के नाम की गर्जना इन तीनों कार्यों का साधन कर देती है। इसलिए पूरी शक्ति के साथ भगवान नाम जय घोष करें।
बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। जय जय सीता राम। स्वस्तिरस्तुनस्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तुद्विपदे सं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निप्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुव जदभद्रं तन्न आसुव रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रय मानिनेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्य चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राजेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं ऋचयजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः शाण्डिल्याभयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः श्रीपराङ्कुशपरकालयतिबरबरबरप्रतिपादिभीकरगुरुभ्यो नमः श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्यास्सहायाः सन्तपूर्वाचार्यास्सहायाः बोलिये श्री सीतारामचन्द्र भगवान् की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री सरयू मैया की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। जय जय सीताराम। भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की
मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व कथा की मर्यादा के अनुकूल भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ कर लें, पश्चात भगवान की कथा का आस्वादन करें। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम
सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक तो भैया रिटर्निंग आवाज तो कुछ सुनाई नहीं पड़ रही, भम भम कर रहा माइक अलग से। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री सीता रामचंद्र जी, भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है, मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित अयोध्यास्थ बड़े भक्तमाल जी की छावनी के पूज्य पीठाधीश्वर गो संत सेवी महंत श्री अवधेश कुमार दास जी महाराज, उनके पार्श्व में विराजमान अयोध्या उदासीन संगत रानोपाली स्थान के पीठाधिपति डॉक्टर श्री भरतदास जी महाराज, उन्हीं के साथ पधारे श्री धर्मदास जी महाराज, आचार्य श्री अग्निहोत्री जी, हमारे परम सुहृद परम स्नेही माननीय श्री लालता प्रसाद पांडे जी भूतपूर्व जिला जज, सपत्नी सपरिवार और हमारे इस राम कथा के आयोजक यजमान प्रधान श्रोता श्री पवन पांडे जी, सपरिवार सपरिकर उनके समस्त बंधु बांधव एवं दूर दूर से समागत धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं एवं सुस्नेहिल बच्चों, भगवान श्री सीता रामचंद्र जी की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप विगत 5 दिनों से श्री रामचरितमानस के माध्यम से भगवान श्री राम की पावन मंगलमयी कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और इस कथा की एक विशेषता यह भी है कि कथा के साथ साथ अयोध्या की विशिष्ट विभूतियों का, संतों का दर्शन भी आपको घर बैठे प्राप्त हो रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और संतों का दर्शन हमारे जीवन के महान से महान पाप को नष्ट कर देता है। संत दरस जिम पातक तरही, संतों के दर्शन से हमारे जीवन के पातक दूर हो जाते। और संत और भगवंत इन दोनों में कोई अंतर नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, संत में और भगवंत में अंतर नहीं। और यही बात देवर्षि नारद अपने भक्ति सूत्र में कहते कि तस्मिन् तज्जने भेदाभावा, तस्मिन् अर्थात उस परमात्मा में, तज्जने उस परमात्मा के जो स्वजन है, भक्त लोग हैं, संत लोग, भेदाभावा उनमें भेद का अभाव है, अभेद है। ऐसे संतों का दर्शन कथा को और भी दिव्य और अनुपम बना रहा है। पूज्य रानोपाली पीठाधीश्वर महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि भगवान की ये पावन कथा हमारे जीवन के सारे ताप को दूर कर देती है। गोपियों ने गोपी गीत में जब रो रो करके भगवान को पुकारा तो
गोपियों ने बहुत बातें कही हैं। भागवत में कई गीत है, गोपी गीत, भ्रमर गीत, युगल गीत, भिक्षु गीत, अनेक गीत हैं। उन्हीं गीतों में श्रीमद् भागवत महापुराण में एक गीत है गोपी गीत, और गोपियों ने विरह की दशा में भगवान के वियोग में उस गीत को गाया। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। विरह की दशा में गोपियों ने एक गीत गाया, और इस गीत में गोपियों ने अपने मनोभाव को भगवान से व्यक्त किया। उस समय भगवान समुपस्थित नहीं थे, अंतर्धान हो चुके थे, लेकिन सर्वव्यापी परमात्मा सर्वज्ञ कहीं भी रह करके वो हमारी भावना को श्रवण कर सकता है, अनुभव कर सकता है। इस दृष्टि से गोपियों ने रो रो करके भगवान से कहा, और गोपियां कहती हैं, तव कथा मृतम तप्त जीवनम। पूज्य महाराज श्री ने सुनाया, गोपियां कहती हैं, ये आपकी कथा जो है ना, ये अमृत है। तव कथा मृतम तप्त जीवनम। संसार से तपे हुए जो प्राणी हैं, संसार के दुख के ताप से जिनका जीवन दुखमय हो गया है, ऐसे प्राणियों को आपकी ये कथा अमृत के समान लगती है, उनके जीवन में शीतलता ला देती है। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम कल्मषापहम। बड़े बड़े कवियों ने, विद्वानों ने आपकी कथा का गान किया, आपकी कथा की महिमा बताई। कवि भीरीडितम कल्मषापहम, आपकी ये कथा जन्म जन्मांतर के कलमश को, पाप को धुल देती है। श्रवण मंगलम, सुनने मात्र से ही सुनने वाले के जीवन में मंगल की शुरुआत हो जाती है, उसका अमंगल भाग जाता है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, ये स्त्री को प्रदान करने वाली है, श्रीमान बनाने वाली है। भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः, वे प्राणी दुनिया के सबसे बड़े दानी हैं जो भगवान की कथा का दान करते हैं। गोपियां कहती हैं, भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः, दुनिया में सबसे बड़ा भूरिदा माने दानी कौन है? गोपियां कहती हैं, जो आपकी कथा का दान करते हैं, उनसे बड़ा दानी दुनिया में कोई नहीं। जो बोले दुनिया का जितना दान है वो सब नष्ट हो जाता है। आप किसी को 10-20 हजार कुंटल गेहूं चावल अन्न दान करो, सब खा पी करके खत्म हो जाए। वस्त्र दान करो, पहनते पहनते धुल करके फट जाएगा। दुनिया के सारे दान नाशवान हैं, नष्ट हो जाएंगे, लेकिन कथा का दान अगर किसी को आपने किया तो ये कथा कभी नष्ट नहीं होती। उसके अंतर मनस में, अंतर मानस में, उसके हृदय में, उसकी बुद्धि में वो कथा जन्म जन्मांतर तक प्रतिष्ठित रहती है, वो कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि ये ज्ञान रूप है। ये दान अविनाशी दान है। गोपियां कहती हैं, सबसे बड़े दानी वो जो आपकी कथा का दान करते हैं। वो भी गृणंत थे भूरिदा जना। इस श्लोक का एक व्यंगात्मक भाव भी है, बड़ा सुंदर प्रसंग बस याद आया, इसलिए कहते हैं। यहां संत लोग विराजमान है, सबको आनंद आएगा। गोपियां जब भगवान से विरह में आत्मनिवेदन करने लगी, तो गोपियों ने भगवान को बड़ा व्यंग भी सुनाया, क्योंकि जब कोई नायिका अपने नायक के व्यवहार से असंतुष्ट होती है तो अपने नायक में दोष दर्शन भी होने लगता है। कमियां बताती है, तुम निष्ठुर हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। किसी संत ने इसका अर्थ बड़ा विलक्षण भी किया है इस श्लोक का। गोपियां कहती, श्याम सुंदर, हम तो समझती थी आप बड़े अच्छे हो,
आपकी संगति हमारे जीवन में आनंद का संचार कर देगी। लेकिन आज मुझे समझ में आया, क्या समझ में आया, बोले तव कथा मृतम, आपकी कथा जो सुनता है उसका जीवन तो मृत तुल्य हो जाता है। मृतम, आपकी कथा मार डालती है लोगों को। हाँ, ये जितने दुनिया में पागल बन करके घूम रहे हैं सब आपकी कथा का ही परिणाम है। आगे भी गोपियों ने भ्रमर गीत में कहा है, वहां गोपियां कहती हैं, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृत नवधूत द्वंद धर्मा विनष्टा, आपकी कथा की एक बूंद व्यक्ति के कान में पड़ जाए और वो हृदय में उतर जाए तो परिणाम क्या होता है, बोले सकृत अनवधूत द्वंद धर्मा विनष्टा, उसके जीवन के सारे द्वंद अवसाद विषाद संवाद परिवाद आदि सब समाप्त हो जाते हैं। विहव यो विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती, वो तो भिखारी बनकर के घूमने लगता, उसका जीवन ही बदल जाता है। गोपियां कहती, महाराज आपकी कथा ने तो ही हमको मार डाला, हम आपकी न कथा सुनती ना आपसे हमको प्रेम होता ना आज ये दुख भोगना पड़ता। तो मूल कारण तो आपकी कथा थी, तब कथा मृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा ने हमारे पूरे जीवन को तपा दिया, दुखमय बना। आपकी कथा के चक्कर में हम पड़ी क्यों, गोपियां कहते हैं कभी भी रीडितम, इन कवियों ने विद्वानों ने इतनी प्रशंसा कर दी आपकी कथा की कि हम सुन करके उसके चक्कर में पड़ गए और तभी आज ये दुख मुझे हो रहा, नहीं तो काहे को दुख होता। कभी भी रीडितम, गोपियां कहती हैं श्रवण मंगलम, जिस दिन से व्यक्ति आपकी कथा सुनता है उसी दिन से उसके जीवन में ये अमंगल शुरू हो जाता है। श्रवण मंगलम, ये विपत्ति का अमंगल, आपके वियोग जन्य ताप का दुख उसको उसी दिन से उत्पन्न हो जाता है जिस दिन से वो आपकी कथा सुनता है। इस प्रकार से गोपियों ने बड़ा सुंदर व्यंग किया है, लेकिन मूल भाव जो है कि भगवान की कथा हमारे जीवन के साप ताप को मिटा देती है, हमारे जीवन के व्यथा को दूर करती है। और कथा सुनते सुनते व्यक्ति को बड़े सहज भाव से तत्व बोध प्राप्त हो जाता है। पूज्य महाराज से भी कह रहे थे, वेदांत में आत्मा के विषय में परमात्मा के विषय में जो विवेचन है, भिन्न भिन्न आचार्यों ने अपने अपने मत से अपनी अपनी दृष्टि और अपनी अपनी युक्तियों के द्वारा उसका प्रतिपादन किया, लेकिन वो विषय बड़ा कठिन है महाराज, वो वेदांती लोग ही समझ सकते हैं। एक एक परिष्कार और एक एक चीज के लक्षण को समझना और तब वेदांत की पंक्तियों को हृदय में उतार पाना कितना कठिन है। वेदांत समझते समझते व्यक्ति वेदांती हो जाता, दांत टूट जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, तब भी वेदांत पूरा पूरा समझ में नहीं आ पाता। लेकिन वेदांत का जो तत्व है चिद विलास तत्व, उसका ज्ञान अगर सहज प्राप्त करना चाहे व्यक्ति तो यही उपाय है कि व्यक्ति भगवान की कथा सुनता रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तुलसीदास कह चित विलास जग बूझत बूझत बूझे, उस चित विलास तत्व को बूझते बूझते बड़े बड़े विद्वान वेदांती थक जाते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति हो और व्यक्ति भगवान की कथा श्रवण करने लग जाए तो कहते हैं रघुबर भगति बारी छालित चित बिन प्रयास ही सूझे। स्वामी जी कहते हैं भगवान की भक्ति से हृदय अगर छालित हो जाए, घुल जाए, तो बिन प्रयास ही सूझे, बिना प्रयास के ही वेदांत का तत्व बोध हो जाता है। रघुबर भगति बारी छालित चित बिन प्रयास ही सूझे, तुलसीदास कह चित विलास जग बूझत बूझत। और यही बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्यगाथा श्रवणाभिधानैः तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवाञ्जनसंप्रयुक्तम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव, उद्धव जी को उपदेश देते समय
यथा यथात्मा परिमृत्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधान ही। मेरी पुण्य गाथा को, मेरी कथा को व्यक्ति जब सुनता है, मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधान ही, बार बार मेरी कथा को सुनने का परिणाम ये होता है कि यथा यथात्मा परिमृत्यते सौ, उसकी आत्मा का परिमार्जन हो जाता है। तब क्या होता है? तो भगवान कहते हैं तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम। फिर उसे सूक्ष्म वस्तु परमात्म तत्व का बोध प्राप्त हो जाता है। तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम, वो सूक्ष्म वस्तु उस परमात्मा को देखने लगता है। किस प्रकार से? बोले चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम। जैसे किसी के आंख की रोशनी कम हो जाए तो आंख में बढ़िया अंजन लगा दिया जाए तो धीरे धीरे आंख की रोशनी लौट आती है। चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम, उसी प्रकार भगवान की कथा सुनते सुनते ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाती है कि बिना वेदांत उपनिषद पढ़े भी व्यक्ति को परमात्म तत्व का बोध प्राप्त। ये कथा की महिमा। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा मलात्मा भी भगवान की कथा श्रवण करते। ये कथा वेद वेदांत का ही व्याख्यान है। वेदांत का वेद का उपबिंबण है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मयेत। इतिहास और पुराण के द्वारा वेद के रहस्य का ही व्याख्यान महर्षि वाल्मीकि और वेद व्यास ने किया है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और महाभारत, ये दो इतिहास ग्रंथ है, वो पुराण नहीं है। वाल्मीकि रामायण को पुराण नहीं माना जाता और महाभारत को भी पुराण नहीं कहा जाता। पुराण अलग है, 18 पुराण हैं, और वाल्मीकि रामायण और भागवत महाभारत ये दो ग्रंथ इतिहास ग्रंथ हैं। इतिहास ग्रंथ की विशेषता क्या है? कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के उपाय का निरूपण करने वाला जो ग्रंथ हो, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम, और निश्चित इतिहास से युक्त हो, कहानी से युक्त हो, इतिहासम प्रचक्षते, ऐसे ग्रंथ को इतिहास कहते हैं। तो रामायण और महाभारत ये दो इतिहास ग्रंथ है, उसको इतिहास ग्रंथ कहते हैं, और 18 पुराण पुराण है। तो इतिहास पुराणाभ्याम, इतिहास और पुराण के द्वारा वेदम समुपबंधये, वेद का ही विस्तार किया जाता है, वैदिक तत्व का ही व्याख्यान किया जाता है। और ये रामायण वाल्मीकि रामायण, बोले वाल्मीकि रामायण तो गायत्री मंत्र की व्याख्या। गायत्री मंत्र जो है, उसी गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर की व्याख्या महर्षि वाल्मीकि ने 1000 श्लोकों में की। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम से लेकर प्रचोदयात पर्यंत 24 अक्षर हैं। एक एक अक्षर की व्याख्या महर्षि वाल्मीकि ने 1000 श्लोकों में की। 24,000 श्लोकों में वाल्मीकि रामायण का व्याख्या। और श्रीमद् रामचरितमानस, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वेद के दो प्रधान मंत्र हैं। ऐसे तो वेद के सभी मंत्र प्रधान हैं, दिव्य हैं, अद्भुत हैं, कोई किसी से कम नहीं, लेकिन दो मंत्र, एक गायत्री मंत्र तत्सवितुर्वरेण्यम, और दूसरा गायत्री छंद में ही दूसरा मंत्र जो है विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव जद भद्रम तन्न आसुव। ये सविता देवता का जो मंत्र है सावित्र मंत्र, ये दो मंत्र वेदों के बड़े अद्भुत विलक्षण और अनेकानेक रहस्य से ओतप्रोत हैं। इन दो मंत्रों में
गायत्री मंत्र की व्याख्या तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। और विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ जद भद्रम तन्न आशुभ, इस मंत्र की व्याख्या श्रीमद् रामचरित मानस है, ऐसा हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं। गायत्री मंत्र त से शुरू होता है, त पर समाप्त होता है, तत्सवितुर त से प्रारंभ और प्रचोदयात त पर समापन, तो त से लेकर के त तक विवेचन है, वह ब्रह्म का संक्षिप्त रूप क्या है, तत् तत् सवितुर का तकार और प्रचोदयात का तकार लेकर के तत् तत् माने ब्रह्म। इसीलिए वाल्मीकि रामायण भी त से प्रारंभ होकर के त पर समाप्त होता है। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग पिदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगवम, तकार से प्रारंभ करके अंत में जाकर के तकार पर। और ये दूसरा मंत्र जो सावित्र मंत्र है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ जद भद्रम तन्न आशुभ, हे सविता देवता हमारे जीवन के जितने दुरित हैं उनको आप दूर कर दो। विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ जद भद्रम, जो हमारे लिए कल्याणप्रद है मंगलमय है, तन्न आशुभ वो मुझे प्रदान कर दो। ये दूसरा मंत्र सावित्र मंत्र, इसी मंत्र की व्याख्या श्रीमद् रामचरितमानस। इस मंत्र की विशेषता क्या है, बोले इसमें वकार से प्रारंभ करके वकार पर मंत्र की समाप्ति है। विश्वानि व से प्रारंभ होता है और समाप्त कहां होता है, पराशुभ व। और उसी की व्याख्या श्रीमद् रामचरितमानस, वकार से प्रारंभ करके वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामग्री प्रारंभ करके दहियंति नो मानवा, वकार पर जाकर के ग्रंथ की समाप्ति। वम अमृत बीज का प्रतीक है, तंत्र शास्त्र में वम को अमृत बीज कहा गया, वकार अमृत बीज है। ये आवाज कैसी है, नहीं नहीं कूलर की आवाज नहीं, हम गम कर रहे। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। तो वकार अमृत बीज और अमृतत्व को प्रदान करने वाली ये कथा श्री राम कथा श्रीमद् रामचरितमानस की कथा है। और ये हमें धर्म पर चलना सिखाती है। पूज्य महाराज जी ने कहा हमें निज धर्म पर चलना, ये भगवान की पावन कथा अमृत बीज से संयुक्त कथा है। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान अयोध्या में प्रकट हुए और भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। भगवान ऐसी अद्भुत लीला भगवान श्री रघुनंदन की अयोध्या में होती है। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान ने बाल लीला करते हुए अपनी मां कौशल्या को एक बार अपने विराट रूप का दर्शन कराया। भगवान ने
कृष्णावतार में ये लीला दो बार की और श्री रामावतार में ये लीला एक बार की। कृष्णावतार में भगवान ने अपनी माँ को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण छोटे से थे, मैया दूध पिला रही थी, पीत प्रायस्य जननी सातस्य रुचिरस्मितम्। पीत प्रायस्य जननी सातस्य रुचिरस्मितम्। दूध पीकर के भगवान तृप्त हो गए और फिर भगवान श्री कृष्ण जमाई लेने लगे तो मैया यशोदा ने लाला के मुख में देखा तो कन्हैया के मुख में अनंत अनंत ब्रह्मांड दिखाई पड़ने लगा। सा वीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात बेपथु। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, सा वीक्ष विश्वम सहसा, संपूर्ण विश्व को कन्हैया के मुख में देखकर यशोदा रानी संजात बेपथु थर थर कांपने लगी, पसीना छूटने लगा। फिर तो भगवान ने अपनी माया को अंतरहित कर दिया। इस प्रकार भगवान ने कृष्णावतार में अपनी माँ को एक बार विराट रूप का दर्शन कराया। दोबारा भगवान श्री कृष्ण जब बड़े हुए तो एक दिन सखाओं के साथ खेलते खेलते मिट्टी खा ली। एक सखा ने आकर के कहा, माई तेरे लाला ने माटी खाई। जसोदा सुन माई, माई तेरे लाला ने माटी खाई। मैया ने कन्हैया का हाथ पकड़ा और कहा, चोरेदारी के तेने माटी खाई। ठाकुर जी ने कहा कि नाहम भक्षितवान अम्ब, हे अम्ब मैंने मिट्टी नहीं खाई। नाहम भक्षितवान अम्ब। तो मैया ने कहा, बदंती तावका येते, ये तुम्हारे सखा ही कह रहे हैं जो तुम्हारे साथ खेलते हैं कि तुमने मिट्टी खाई। तो भगवान कहते हैं, सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ये सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे। और जबकि बगल में मिट्टी का ढेला गाल में था और गाल फूला हुआ था, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैया ने कहा, क्यों रे ये सब झूठ बोल रहे हैं और तू बड़ा सत्यनारायण है। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे, हाँ भैया मैं ही सत्यनारायण हूँ, वास्तव में भगवान ही तो सत्यनारायण है, कोई दूसरे सत्यनारायण अलग थोड़ी। मैया ने कहा, अगर तेरी बात सत्य है तो मैं तेरा मुख देखना चाहती हूँ। तो भगवान ने भी कहा कि ठीक है मैया, अगर तेरी बात सत्य है तो देख ले मेरे मुख को। यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य मे मुखम। और भगवान ने जब अपना मुख खोल करके दिखाया तो खम ज्योतिषी खम रोदसी ज्योतिरनी कमासा सूर्येन्दु, साफ संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड अनंत अनंत साफ कन्हैया के मुख में दिखने लगा। भैया व्याकुल हो गई। इस प्रकार कृष्णावतार में भगवान ने अपनी माँ को अपने विराट रूप का दर्शन दो बार किया। और श्री रामावतार में श्री रामावतार में राम जी ने अपनी मैया को अपने विराट रूप का दर्शन एक बार। तब बोले, एक दिन मैया ने लाला को राम लला को स्नान कराया, स्नान करा के नूतन नवीन वस्त्र धारण कराया और पालने में पौड़ा दिया। एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, श्रृंगार पलना पौराए, कर श्रृंगार पलना पौराए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन असनाना, पूजा कीन हेतु। एक बार मैया कौशल्या ने, देखो गोस्वामी तुलसीदास जी की शैली भी बड़ी विलक्षण है, जब किसी चौपाई में एक बार शब्द का प्रयोग करते हैं गोस्वामी जी तो किसी विलक्षण लीला का वर्णन करते हैं। जहां कहीं रामायण में चौपाई मिले
जैसे भगवान शंकर अगस्त मुनि के यहाँ कथा सुनने के लिए जाते हैं तो गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, बोले एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार तो वहां एक विलक्षण बात निकल करके आती, दशरथ जी को अपने पुत्र की प्राप्ति की इच्छा कई बार हुई, लेकिन जब एक बार शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया तो फिर सारे काम बन गए। गोस्वामी जी कहते हैं एक बार भूपति मन माही भई गलान मोरे। उसी प्रकार यहां भी कहते हैं एक बार जननी अनहवाय, यहां एक बार शब्द का प्रयोग करते हैं गोस्वामी जी महाराज, वहां कुछ अद्भुत चरित्र होता है। हाँ, वो सूप नखा आई थी उसकी नाक कटी, वहां भी एक बार का प्रयोग किया। सूप नखा रावण कर बहिनी और दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बार वहां भी। और फिर वहीं से रावण से संग्राम की भूमिका सृजित हो जाती, यहां भी एक बार शब्द का प्रयोग किया। एक बार जननी अनहवाए कर सिंगार पलना पौधाए, रामलला सरकार को स्नान करा करके नूतन नवीन वस्त्र धारण करा कर श्रृंगार करके पालना में मैया ने पौड़ा दिया और फिर सोचने लगी कि अब मैं चलूं अपने कुल देवता भगवान की आराधना करूं। निज कुल इष्ट देव भगवान, अपने कुल देवता इष्ट देवता की आराधना करने के लिए मां कौशल्या जा रहे हैं। दशरथ जी के कुल देवता इष्ट देवता कौन है? श्री रंगनाथ भगवान। श्री रंगनाथ भगवान अयोध्या के कुल दैवत हैं और श्री इक्ष्वाकु मनु जब अयोध्या के राजा बने उस समय श्री ब्रह्मा जी महाराज ने वो दिव्य मूर्ति मंदिर के सहित वो मूर्ति ब्रह्मा जी ने इक्ष्वाकु को दिया था। उस मूर्ति की विशेषता है कि वो मूर्ति मंदिर बनाने के बाद मंदिर में मूर्ति नहीं रखी गई, वो मंदिर के सहित मूर्ति भगवान का गर्भगृह और गर्भगृह के ऊपर जो आनंद निलय मंडपम है उस मंडप के सहित भगवान के उस दिव्य विग्रह को ब्रह्मा जी ने इक्ष्वाकु मनु को दिया था। आद्यमेतत् स्वयं व्यक्तम विमानम रंग संज्ञकम, आद्यमेतत् स्वयं व्यक्तम, वो स्वयं व्यक्त भगवान विश्व की प्रथम मूर्ति। इस दुनिया में सबसे पहले भगवान की कोई मूर्ति आई तो रंगनाथ भगवान की मूर्ति है और वो रघुकुल के कुल देवता इक्ष्वाकु मनु के काल से लेकर दशरथ जी के काल तक उनकी पूजा अयोध्या में। बाद में भगवान श्री राम ने उस मूर्ति को उस विग्रह को उस विमान के सहित मंडप के सहित विभीषण जी को दे दिया था। पुराणों में कथा है और उस मंडप को उस विमान को लेकर के विभीषण जी महाराज लंका जा रहे थे तो रास्ते में भगवान ने सोचा भारतवर्ष छोड़ करके जाना लंका में जाना ठीक नहीं है, भारतवर्ष तो दिव्य भूमि है। जयति भारत वर्ष देश, इस देश की जय हो। क्यों जय हो? भारत माता की जय हम क्यों बोलते? कहते हैं जयति भारत वर्ष देश यस्य पावन भूमि भागे क्रीडितुम बांछति परेश। परेश परमात्मा भी जिस भूमि में क्रीड़ा करने के लिए कामना करता है, इसीलिए भगवान का अवतार केवल भारत में ही होता है। भगवान के दूतों का अवतार भले दुनिया में होता हो, इस्लाम वालों से पूछो तुम्हारे अल्लाह कभी दुनिया में आए, वो कहते नहीं आते हैं, पैगंबर आते हैं, नबी आते हैं। क्रिश्चियन से पूछो तो कहते हैं भगवान अपने पुत्र को भेजते हैं, ईश्वर का पुत्र आया यीशु के रूप में। दुनिया के किसी भी देश में किसी भी पंथ में ईश्वर के दूत आए ईश्वर के पुत्र आए, लेकिन भारत बोले भारत ऐसी भूमि है जहां स्वयं ईश्वर आता है। ये भारत का
जयति भारत वर्ष देश यस्य पावन भूमि भागे क्रीडितुं वांछति परेश। और यहाँ तो हमारे यहाँ तो भगवान के पुत्र और दूत तो पहले से आ चुके हैं, ये जितने संत हैं सब भगवान के दूत हैं, सब आए हुए। तुम्हारे यहाँ एक दूत आते हैं भगवान के यहाँ से, यहाँ इतने दूत हैं पता ही नहीं कितने दूत, सब भगवान के ही दूत हैं। और तुम्हारे यहाँ भगवान के पुत्र आते हैं, बोले हमारे यहाँ सारी सृष्टि ही भगवान का पुत्र है, वयम अमृतस्य पुत्राः, हम उस अमृत परमात्मा के पुत्र। ये भारतीय संस्कृति। महाराज भगवान को लंका जाने की इच्छा नहीं हुई, रंगनाथ भगवान ने सोचा अब लंका कहाँ जाए, ऐसा सुंदर देश छोड़ करके जाना भारतवर्ष। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, भागवत उठा करके पढ़ो, स्वर्ग में देवता बैठ करके भारत का गुणगान करते हैं कि हमारा भारत में जन्म हो और भारत में जन्म लेकर मैं भी कर्म का अधिकारी बनूं और ऐसे उत्तम कर्म करूं, भगवान की पावन कथा श्रवण करूं, भगवान की भक्ति करूं। इसके लिए देवता भी लालायित रहे। जयति भारत वर्ष देशा यस्य पावन भूमि भागे क्रीडितुं वांछति परेश। रंगनाथ भगवान लंका जाने को तैयार नहीं हुए और समुद्र के तट पर पहुंचने के पहले ही कावेरी नदी के किनारे रुक गए। रंगनाथ भगवान ने विभीषण से कहा कि अब आप लंका जाओ, यहीं आकर के आप मेरा दर्शन कर लेना, पूजा कर लेना। और तब से रंगनाथ भगवान आज भी वहीं विराजमान। कभी दक्षिण भारत जाओ तो रंगनाथ भगवान का दर्शन जरूर करना। तमिलनाडु प्रांत में कावेरी नदी के मध्य में एक छोटा सा नगर है, इधर भी कावेरी बहती हैं और इधर भी कावेरी बहती है, उत्तर कावेरी और दक्षिण कावेरी, एक ही नदी दो भागों में विभक्त हो गई और आगे जाकर के फिर मिल गई, और उसके बीच का जो भूभाग है उसका नाम है श्रीरंगम, छोटा सा नगर, और वहीं पर वो रंगनाथ भगवान की मूर्ति आज भी विराजमान। आप जाओगे तो दर्शन करोगे, उस मंदिर की दीवाल में ही मूर्ति बन गई, अलग नहीं, आप तो गए, और वो विश्व की प्रथम मूर्ति रंगनाथ, वो अयोध्या के कुल देवता रंगनाथ भगवान। इसीलिए सत्यनारायण भगवान की कथा में भी देखो, सत्यनारायण भगवान की कथा में एक प्रसंग आता है ना, तुंगत ध्वजो महाराज नृपो दशरथो भवत, तुंगत ध्वज नाम के जो राजा थे वो अगले जन्म में राजा दशरथ बने, और रंगनाथम संपूज्य श्री वैकुंठम तदागमत, रंगनाथ भगवान की पूजा करके उन्होंने वैकुंठ को प्राप्त किया। कहने का भाव कि वे रंगनाथ भगवान अयोध्या के कुल देवता, राम जी के समय तक रंगनाथ भगवान अयोध्या में थे, माँ कौशल्या रंगनाथ भगवान की पूजा के लिए जाती है, निज कुल इष्ट देव भगवान पूजा हेतु की स्नान, पूजा के लिए स्नान किया, सुंदर नैवेद्य बनाया और करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, भगवान को निवेदन किया, भोग लगाई, और फिर माँ कौशल्या पाकशाला में गई कुछ और करने के लिए, और फिर आई भोग उठाने के लिए मंदिर में, तो देखती क्या है कि रंगनाथ भगवान को जब भोग लगाया तो मंदिर में एक अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। भोग की थाली के पास बैठ करके भगवान श्री राम लला उस भोग की थाली से लड्डू निकाल करके, पूड़ी निकाल करके, भोग को निकाल करके भगवान राम लला खा रहे। मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने भगवान को भोग लगाया और मेरा लाला तो पालना में लेटा हुआ यहां कैसे आ गया, लेकिन भगवान मां कौशल्या को ये बताना चाहते थे, मां ये तेरे इष्ट देवता जो रंगनाथ भगवान हैं उनमें और हम में कोई अंतर नहीं है, तू अंतर समझ रही है, ये भगवान बताना चाहते। भगवान मानो कहना चाहते मैया ये तेरे जो कुल देवता हैं रंगनाथ भगवान ये कोई और नहीं है, मैं ही हूं, और जब मैं प्रत्यक्ष प्रकट हूं तो मुझे क्यों नहीं भोग लगाते,
मानो इस भाव को व्यक्त करने के लिए भगवान प्रकट होकर के भोजन की थाली से प्रसाद ग्रहण करने लगे। मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने भगवान को भोग निवेदन किया और मेरे लाला ने भोजन को जूठा कर दिया, लेकिन मेरा लाला आया तो कैसे आया, ये तो पालना में था, ये तो चल भी नहीं सकता, ये तो अपने से अपनी करवट भी नहीं बदल सकता, इतनी दूर कैसे आ सकता। लेकिन अब मैया को कौन समझावे कि ये भगवान है, ये बिना पैर के भी चलते हैं। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, ये तो बिना पैर के भी चल सकते हैं। कर बिनु कर्म करहिं विधि नाना, ये बिना कर के भी सारे कर्म कर लेते। मैया ने देखा कि ऐसा नहीं हो सकता, चलो मैं चल करके पालना में देखूं। और मैया आई दौड़ी दौड़ी और पालना में देखी तो पालना में भी लाल जी लेटे हुए। अब मैया को बड़ा आश्चर्य, कौशल्या मैया कि मेरा लाला पालना में, तो ये मंदिर में दूसरा कहां से आ गया, और ठीक मेरे लाला जैसा। फिर दौड़ती दौड़ती गई, जाकर के मंदिर में देखा तो वहां भी रामलला को, यहां भी पालना में रामलला लेटे हैं और वहां मंदिर में भी भगवान की थाली में से लड्डू लेकर के भगवान पा रहे हैं। यहां वहां दुई बालक देखा, यहां वहां दुई बालक देखा, मति ब्रह्म मोर की आन बिसेखा, मति ब्रह्म मोर की आन बिसेखा, एक राम जननी अकुलानी, देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हस दीन मधुर मुस्कानी, प्रभु हस दीन मधुर मुस्कानी, मधुर मुस्कानी, मधुर मुस्कानी। एक बालक वहां भी एक बालक, मां कौशल्या को बड़ा आश्चर्य हुआ, व्याकुल हो गई मां कौशल्या। उसी समय भगवान ने अपनी मां को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब भगवान श्री राम ने अपने विशाल रूप का दर्शन कराया, मां देखती है राम जी के एक एक अंग में, एक एक रोम में, एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई पड़ने लगे। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकारन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाव, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाव, सो देखा जो सुना नकाऊ, सो देखा जो सुना नकाऊ, देखी माया सब विधि गाड़ी, देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सब बीत जोरे कर ठाड़ी, अति सबीत जोरे कर ठाड़ी, देखा जीव न चाही जाही, देखा जीव न चाही जाही, देखी भक्ति जो छोरे ताही, देखी भक्ति जो छोरे ताही, तन पुलकित मुख बचन न आवा, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूंद चरणन सिर नावा, नयन मूंद चरणन सिर नावा, विस्मय बंत देख महतारी, विस्मय मंद देख महतारी, भये पौरुष स्वरूप करारी, भये पौरुष स्वरूप करारी, स्तुति कर न जाय भय माना, स्तुति कर न जाय भय माना, जगत पिता में सुत कर जाना, जगत पिता में सुत कर जाना, हरि जननी बहु विधि समझाई, हरि जननी बहु विधि समझाई, यह जन कतऊ कहस सुनि पाई, यह जन कतऊ कहस सुनि पाई। भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया, रोम रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड दिखाई, ऐसे बालक हैं। यहां पर
बालक शब्द का अर्थ बड़ा अद्भुत, क्योंकि भगवान स्वयं अद्भुत हैं, तो बालक भी बने हैं तो अद्भुत बालक। इसीलिए श्रीमद्भागवत महापुराण में भी भगवान को जब वेद व्यास जी बालक कहते हैं तो कहते हैं अद्भुत बालक। तमद्भुतम बालकम अंगुजे क्षण, तमद्भुतम अद्भुत बालक। और गोस्वामी जी महाराज भी भगवान को जब बाल रूप में अनुभव करते हैं प्राकृतिक काल में तो अद्भुत शब्द का ही प्रयोग करते हैं, अद्भुत रूप निहारी निहारी। भगवान बालक तो है लेकिन अद्भुत। तम अद्भुतम बालकम अंगुजे क्षण, अद्भुत बालक का मतलब क्या? बोले बालक का मतलब यहां पर साधारण बालक नहीं। देखो संस्कृत का जो बालक शब्द है ये बाल शब्द से बालक बनता है, मूल शब्द है बाल, और बाल शब्द से स्वार्थ में क प्रत्यय करने पर बालक शब्द बनता है। लेकिन यहां पर बालक का अर्थ है बाले बाले कम, कम ब्रह्मांडम, कम माने ब्रह्मांड, जिसके बाल बाल में रोम रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड है, ऐसे बालक हैं भगवान। इसीलिए तमद्भुतम बालक, अद्भुत बालक। और ऐसे बालक से अगर हमने नेह नहीं किया तो हमारा जीवन व्यर्थ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तुलसी अस बालक सो नहीं नेह, कहा फल जोग समाधि की। कितनी भी जोग समाधि लगा लो लेकिन ऐसे बालक से आपका नेह नहीं हुआ। ऐसे रघुनंदन से रामलला से आपको स्नेह नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुआ, तो आपका जीवन व्यर्थ है। गोस्वामी जी कहते हैं नरते खर सूकर स्वान भलो, उस मनुष्य से कुत्ते और गधे अच्छे। किस मनुष्य से? बोले जो मनुष्य मनुष्य होकर के भगवान रघुनंदन के चरणों में प्रेम नहीं किया। कहो जग में फल कौन जिए, मनुष्य बनकर के संसार में जिए, पैदा हुए मर गए, तुम्हारे जीने का फल क्या मिला तुम? इसलिए कहते हैं तुलसी अस बालक सो नहीं नेह, ऐसे बालक से अगर नेह नहीं किया तुम्हारा मानव जीवन। आगे गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं बाल चरित हरि बहुविध कीना, भगवान ने अनेक बाल चरित्र किया, बहुत बाल लीलाएं भगवान ने की। संतों ने अपने अपने ढंग से उन बाल लीलाओं का वर्णन किया। आगे एक बाल लीला का वर्णन करते हुए भगवान शंकर भगवती पार्वती से कहते देवी एक दिन श्री दशरथ जी महाराज भोजन करने जा रहे थे और उस समय भगवान श्री राम सखाओं के साथ खेल रहे थे। दशरथ जी को याद आई रामलला कहाँ है, बुलाओ भोजन का समय हो गया। भोजन के समय राम जी की दशरथ जी को याद आ रही है। भोजन करते बोले जब राजा नहीं आवत परिवार समाजा, भोजन करते बोले जब राजा नहीं आवत परिवार समाजा, नहीं आवत परिवार समाजा, नहीं आवत परिवार। तो राम जी की याद आ गई, राम जी कहां है, राम जी आ जाएं भोजन करें, और राम जी को बुलाने लगे। राम जी अपनी सखा मंडली को छोड़कर के आना नहीं चाहे। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज इस प्रसंग पर एक बड़ा सुंदर भाव कहते थे कि इस चौपाई को वैष्णव भक्तों को ठीक ठीक समझना चाहिए। बोले इसमें क्या समझना है? बोले इसमें समझना ये है कि अगर तुम वैष्णव हो, भगवान के भक्त हो,
तो कुछ भी खाने चलो तो तुमको पहले भगवान की याद आ जाए और बिना भगवान को भोग लगाए प्रसाद ग्रहण मत कर। ये वैष्णवता का मूल है, ये भक्ति का मूल है। कुछ भी मिले तो पहले अपने भगवान को अर्पित करो, तब स्वयं ग्रहण करो। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण। भगवान को बिना भोग लगाए खाओगे अनिष्ट होगा, भगवान को समर्पित करके खाओगे कल्याण होगा। और ये इतना बड़ा साधन है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण में उद्धव जी भगवान से कहते हैं, प्रभो समाधि लगा करके व्यक्ति आपको प्राप्त कर लेता है, माया से तर जाता है। बड़े बड़े यज्ञ करके याज्ञिक लोग आपको प्राप्त कर लेते हैं, तपस्या करके लोग आपको प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो तपस्या भी न कर सके, यज्ञ भी न कर सके, समाधि भी न लगा सके, तो वो आपको कैसे प्राप्त करे, माया को कैसे जीते, वो माया से पार कैसे जाए। उद्धव जी कहते हैं, हे प्रभु मैंने अनुभव किया है, जो आपका उच्छिष्ट ग्रहण करता है, आपको भोग लगा करके प्रसाद पाता है, इस एक नियम का अगर वो पालन कर ले तो आपकी माया को पार कर लेता है। बड़ा सरल सूत्र है, उच्छिष्ट भोजिनो दासाह तब मायाम जयमहि। उद्धव जी कहते हैं आपका उच्छिष्ट आपको भोग लगा करके जो नियम से प्रसाद पाता है वो आपकी माया को जीत लेता है। आप जीवन में कुछ न कर पाओ, न मंत्र जपो, न तीर्थ में जाओ, लेकिन एक नियम बना लो कि हम बिना भगवान को भोग लगाए कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। पानी भी गले के नीचे जाएगा तो भगवान को अर्पण करके जाएगा, और इस नियम को अगर आपने पालन कर लिया तो यही नियम आपको माया से पार करेगा। उच्छिष्ट भोजिनो दासा, आपके उच्छिष्ट का सेवन करने वाले जो आपके दास हैं, तब मायाम जय मही, वो आपकी माया को पार कर जाते हैं। कैसे पार कर जाते हैं भैया? बैठ जाओ, जिसको जहां बैठना है, जो पीछे आवे तो फिर पीछे ही बैठे। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीता राम। भगवान की कथा में आने की भी बड़ी मर्यादा है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक मैं कहूंगा, कुश और लव जब राम जी के दरबार में कथा सुनाने लगे तो राम जी चक्रवर्ती सम्राट अयोध्याधिपति, कथा सुनने के लिए अपने स्थान पर जब बैठने के लिए राम जी जाने लगे तो राम जी के जाने की विधि क्या है, बस उसी श्लोक का मैं बढ़ाऊंगा। बालकांड के पांचवें अध्याय का अंतिम श्लोक, पांचवें सर्ग का अंतिम श्लोक शायद, सचापि राम परिषद गतः सनैः। राम जी का उपदेश है, राम जी अपने चरित्र से उपदेश देते, सचापि राम परिषद गतः सनैः। श्रोताओं के बीच में जाकर के राम जी इतने धीरे से बैठे, सनैः ये शब्द देखें, सजापि रामक परिषद गतस्सनैहि बुभूषया सक्तमना बभूव, और ऐसे धीरे से जाकर के बैठे कि जिसके बगल में बैठे उसको भी पता नहीं चला कि मेरे बगल में कौन आ बैठे। ये कथा में आने की, आपके आने से श्रोताओं का मन आपकी तरफ जाए, वक्ता का ध्यान कथा से टूट करके आप पर केंद्रित हो जाए तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा, कथा में विघ्न करने का दोष लग जाए। इसलिए कथा में समस्त मर्यादाओं का पालन करते हुए शांति से आकर के जहाँ स्थान मिले वहीं बैठ जाओ, और आगे बैठने का मन हो तो सबसे पहले आना चाहिए, आगे आओ आगे बैठो, पीछे आए तो पीछे बैठो, यही कथा की मर्यादा। कथा में व्यवधान हो महाराज, भगवान श्री राम इतने धीरे से आकर के बैठे कि बगल वालों को भी पता नहीं चला। सचापि राम परिषद गतस्सनैः बभूषया सक्तमना बभूव, और दत्तचित्त होकर के सुन, कहाँ बैठे राम चक्रवर्ती सम्राट, साधारण लोगों के बीच में जहां साधारण लोग बैठे थे उनके लिए कोई स्पेशल आसन नहीं लगाया। ये राम जी,
कथा तो भगवान की कलिमल हारिणी, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई भी व्यक्ति मेरी बात का बुरा मत मानना। हम नहीं बताएंगे तो बताएगा कौन? बताएंगे तो आगे से फिर सावधान रहेंगे आप। इसीलिए कथा में हर बातें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। कथा तो हमें जीवन जीना सिखा देती, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। ये रामायण तो हमें जीवन का सूत्र सिखाती। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जीने संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जीने संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना सुख के किनारे पर, उन्हें सुख के किनारे पर लगा दी रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखा दी रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखा विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं शंकर की है झांकी, हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले पर झूलाती रोज रामायण, हृदय आनंद झूले पर झूलाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का, सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का, बना मंदिर है प्रभु प्रेम का दर्शन, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कभी बेतों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी बेतों के सागर में, कभी ताकी गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी गीता
सीता की गंगा में कभी रस बिंदु के मन को कभी रस बिंदु में मन को डुबो थी रोज रामायण कभी रस बिंदु में मन को डुबो थी रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण सिखाती रोज रामायण सिखाती रोज रामायण निज धर्म का उपदेश यही रामायण का उपदेश हम अपने अपने निज धर्म को ठीक ठीक समझ लें और ये हमारा निज धर्म देश काल परिस्थिति के अनुकूल बदलता रहता किस काल में किस देश में किस परिस्थिति में किस अवस्था में किस व्यवस्था में किस दिशा में किस दशा में हमारे लिए क्या कर्तव्य है शास्त्रोचित कर्तव्य उसे जानकर तदनुकूल कर्तव्य का व्यवहार करना ये निज धर्म संपूर्ण गीता का ज्ञान इसी पर आधारित निज धर्म और जब तक हम अपने निज धर्म को ठीक ठीक नहीं समझेंगे तब तक भगवान के चरणों की भक्ति भी नहीं मिलती। लक्ष्मण जी ने भगवान से पूछा प्रभु आपके चरणों की भक्ति को पाने का उपाय क्या लक्ष्मण जी ने पूछा भगवान से वन के प्रसंग में अनुकूल वातावरण देख करके लक्ष्मण जी ने भगवान से पूछा प्रभु आपके चरणों की भक्ति कैसे मिलती तो भगवान ने कहा प्रथम ही भी प्रचरण अति प्रीति प्रथम ही भी प्रचरण अति प्रीति निज निज परम निरत सुत नीति निज निज परम सुरत सुतनी ती कर फल पुनि विषय विराधा ती कर फल पुनि विषय विराधा तब मम धर्म उपज अनुरागा तब मम धर्म उपज प्रचरण अति प्रीति प्रथम ही प्रचरण अति प्रीति प्रथम ही प्रचरण भगवान कहते हैं मेरे चरणों की भक्ति को पाने के लिए सबसे पहले आचार्यों के द्वारा महापुरुषों के द्वारा स्वधर्म का उपदेश श्रवण करो विप्रों के चरणों में बैठकर विद्वानों के चरणों में बैठकर स्वधर्म को सुनो और उसके बाद निज निज धर्म निरत श्रुति नीति फिर अपने अपने निज धर्म में निरत हो जाओ अपने अपने धर्म का पालन करो उसका फल क्या होगा बोले ते ही कर फल पुनि विषय विरागा तब संसार के विषयों से वैराग्य होगा और जब संसार के विषयों से वैराग्य होगा तब मम धर्म उपज अनुरागा तब मेरे धर्म में मेरे चरणों में मेरी भक्ति में अनुराग तभी मेरे चरणों में तो निज धर्म का उपदेश करने वाली ये रामायण किसको क्या करना चाहिए क्या करें और क्या न करें किसी का उपदेश तो रामायण अब भक्त को क्या करना चाहिए यही बात मैं कह रहा हूं अगर आप भगवान के भक्त हो ये कहते हो कि हम राम जी की भक्ति करते हैं तो आपको सावधान होना पड़ेगा अपने ठाकुर को बिना भोग लगाए आप कुछ ग्रहण मत करो दशरथ जी भक्त हैं भगवान भोजन करने बैठे तो राम जी की याद आ गई
हमारे साधु समाज में यही सिखाया जाता है, कहीं जाओ कोई व्यक्ति कुछ खाने को दे तो पहले भगवान को भोग लगाओ, और भगवान नहीं है किसको भोग लगावे, बोले भगवान सब जगह है, तुलसी का स्पर्श करा दो भोग लग जाएगा। बोले महाराज तुलसी भी न मिले तो, बोले गले में कंठी तो है, कंठी छुआ दो। महात्मा कंठी का स्पर्श कराए, माला झोरी की माला निकाल करके तुलसी की माला ही छुआ दिया उसमें और भावना कर ली हे प्रभु आपको अर्पित, और तब भोग लगा करके पा। भगवान को भोग लगा करके पाना माया को जीतने का बहुत बड़ा मंत्र है, लेकिन इसमें शर्त एक और है। बोले क्या शर्त? बोले वही चीज भगवान को भोग लगाओ जो भगवान को भोग लगती हो, ये नहीं कि जो कुछ मिले सब भगवान को भोग ही लगा दो। कूड़ा करकट जो भी तुम खाते हो वही कूड़ा करकट भगवान को भी भोग लगा, जो भगवान को भोग लगने योग्य है वही भगवान को भोग लगाओ, और जो भगवान को भोग लगे वही तुम भोग लगाओ। यह तुम्हारे लिए एक आहार नियंत्रण की व्यवस्था भी है, तुम्हारा आहार नियंत्रित हो जाएगा, मनमाना खाना बंद हो जाएगा। महाराज आहार पर जब तक नियंत्रण नहीं होगा तब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार के शुद्ध होने पर ही सतोगुण की शुद्धि होती है। वेद कहता है, वेद वाक्य है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, जब सतोगुण शुद्ध होगा तब ध्रुव स्मृति होगी, स्मृति लंबे सर्व गंती नाम विप्रमोक्षः। वेद भगवान कहते हैं जब वो ध्रुव स्मृति होगी तभी समस्त ग्रंथियों का छेदन होगा, भेदन होगा। तो आहार की शुद्धि बहुत जरूरी है, आहार शुद्ध हो, कुछ भी मिल जाए हम खा लें, बोले तब अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। कोई भी प्रेम से दे दे तो खा ले, बोले भरे प्रेम से दे, उसका प्रेम भाड़ में जाए, अगर वो शुद्ध नहीं है तो तुम मत खाओ, प्रेम उसका उसके सिर पे रख दो, ले लो तुम अपना प्रेम ओढ़ो और बिछाओ। हाँ तुम्हारा प्रेम हमारे किस काम का, अगर तुम्हारे अंदर प्रेम है तो हम जिस प्रकार खाते हैं और जो खाते वो खिलाओ, तब सच्चा प्रेम खिलाओ। और तुम प्रेम के नाम पर हमारा धर्म भ्रष्ट कर दो, बोले तुम्हारा प्रेम तुम्हारे लिए मुबारक। तो लोग तर्क करते हैं, इन तर्कों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके सामने ऐसी परिस्थिति पड़े तो आप क्या जवाब दोगे। जब आपके धर्म को विचलित करने के लिए कोई ऐसे बागा डंबर के द्वारा आपके नियम को तोड़ना चाहे, उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते, लोग कहते हैं भक्तों के यहाँ जाओ, कहते महाराज आज हमने प्रेम से बनाया आप भोजन करो, आपके लिए प्रेम से हमने हलवा बनाया पूरी बनाया। भैया भले प्रेम से तुमने बनाया, लेकिन जिस विधि से हमारे यहाँ भोजन बनता है, जिस शुद्धता पवित्रता, उस प्रकार से अगर तुमने नहीं बनाया तो मेरे लिए अग्राह्य है। बोले महाराज प्रेम में तो कोई नियम नहीं होता, सामने वाला यही कहता। बोले महाराज प्रेम में कोई नियम नहीं होता, प्रेम में तो भगवान राम ने अपना नियम तोड़ दिया, सबरी के जूठे बैर खा लिए। तुरंत लोग यही कहेंगे, पहला उदाहरण दिया राम जी ने प्रेम में नियम तोड़ दिया, प्रेम में नियम नहीं होता, उन्होंने तो सबरी के जूठे बैर खा लिए। भैया राम जी भगवान है, हम भगवान नहीं, वो सर्व समर्थ है, वो सारी दुनिया को प्रलय काल में अपने पेट के अंदर रख लेते हैं, उनको कोई दोष नहीं लगता, सारी सृष्टि उन्हीं के उदर में समाहित हो जाए, वो भगवान है, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। भगवान प्रेम में कुछ भी करें उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन प्रेम के नाम पर अपने नेम को और नियम को छोड़ करके साधु और वैष्णव धर्म भ्रष्ट होगा तो उसकी लुटिया डूब जाएगी, पक्की बात है लुटिया डूब जाएगी। इसलिए अपने नियम में दृढ़ रहना चाहिए, नियम से समझौता नहीं, कुछ भी भोजन करो भगवान को भोग अर्पित करो, माया को जीत लो। जब इस श्लोक की व्याख्या मेरे पूज्य स्वामी जी महाराज करते थे, अनंत श्री विभूषित श्री अयोध्यानाथ मंदिर के पूज्य स्वामी श्री गोपालाचार्य जी महाराज, परम साधु जिनको लोग चलती फिरती लाइब्रेरी कहते, कितना विषयों का अनुभव था उनको, जब उन्होंने ये कथा सुनाई कि उच्छिष्ट भोजिनो दासाः तव मायां जयेमहि, जो आपका उच्छिष्ट खाता है वो आपकी माया को जीत लेता है, तो हमने पूछा महाराज जी स्वामी जी भगवान को भोग लगा करके पाने से हम माया को कैसे जीत लेंगे, माया तो बड़ी प्रबल है।
माया की प्रबलता के लिए स्वयं भगवान ने कहा कि देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया इतनी कठिन है इसको पार कर पाना असंभव। तो स्वामी जी बड़े अच्छे ढंग से समझाते, वो बात आपको भी बड़ी अच्छी लगेगी, इसलिए मैं कह रहा हूं। स्वामी जी ने कहा देखो भगवान सबके पिता हैं और लक्ष्मी, बोले लक्ष्मी सारे जगत की माता है, और ये माया, बोले माया भी भगवान की पत्नी है, माया भी भगवान की ही पत्नी है, इसीलिए भगवान का एक नाम है माया पति, भगवान माया पति। तो माया भी भगवान की पत्नी है और लक्ष्मी भी भगवान की पत्नी है, तो लक्ष्मी तो सारे जगत की माँ है जो सारे जगत का भरण पोषण करती है जगदम्बा, और माया, बोले माया सौतेली माँ, जैसे माँ दो हो, एक दूध पिलाने वाली जन्म देने वाली माँ और एक सौतेली माँ। तो अपनी माँ तो अपने बच्चे का दुलार करती है, संरक्षण करती है, लेकिन सौतेली माँ, बोले सौतेली माँ कभी उससे प्यार नहीं करती, तो कब पावे तो उसका अंत ही कर दे, ये माया तो सौतेली माँ। और माया कुछ देगी तो उसमें निश्चित रूप से कुछ मिला करके देगी, और माया के पदार्थ को खाओगे, माया ने कुछ मिलाया तो तुम्हारी बुद्धि विकृत हो जाएगी। बोले तो माया से बचने का उपाय क्या है? महाराज जी कहते थे कि जैसे सौतेली माँ कुछ भी बना करके दे तो पहले अपने बाबूजी को खिलाओ, बोले बाबूजी आप भी इसमें से थोड़ा खाओ, तो सोचेगी कि अरे अगर इसमें कुछ मिलाए तो ये तो मेरे खसम को ही पहले खिलाएगा, इसलिए वो फिर उसमें कुछ नहीं मिला सकती। उसी प्रकार माया के द्वारा जो भी प्राप्त वस्तु हो, वस्त्र, धन संपत्ति, भोजन, ये सब पहले मायापति को अर्पित कर दो, फिर माया जान जाएगी कि इसमें अगर मैंने कुछ मिलाया तो ये तो मेरे प्रभु को ही अर्पित करेगा, इसलिए तुम्हें माया कोई वस्तु देगी तो उसमें कुछ मिलावट नहीं करेगी, उस मिलावट के जहर से तुम बच जाओगे, इसलिए मायापति को पहले अर्पित कर दो, तदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, फिर वो माया उसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं करेगी। इसीलिए जो माया संसार के पास होती है, धन संपत्ति, जमीन जायदाद, सोना चांदी, हीरे पन्ने, पोखराज, वस्त्राभूषण, वो सब माया साधु महात्माओं के पास होती है, किसके पास क्या नहीं है? आप बताओ, बड़ी बड़ी जागीरें हैं, बड़े बड़े सोने चांदी के सिंहासन हैं, रत्न हैं, लेकिन उस माया में और संसार की माया में अंतर क्या है? बोले संतों को जो माया मिली वो भगवान को अर्पित की गई, तुम्हें निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पद भूषण करें, तो माया बंधन का कारण नहीं बनी, वो मुक्ति का साधन बन गई, और वही माया संसार के पास गई तो बंधन का कारण, भगवान को अर्पण कर दो, शुद्ध हो जाएगी। इसलिए भगवान को भोग लगा करके पाने का नियम अगर वैष्णव बना ले तो यही उसको मुक्त कर, भगवान को हम निवेदित करके ही कुछ ग्रहण करें। महाराज दशरथ जी को भगवान की याद आई, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजिबाल समाजा, भगवान सखाओं को छोड़ करके नहीं आते। दशरथ जी के बुलाने पर भगवान नहीं आए तब कौशल्या जी गई बुलाने की। अब यहां थोड़ा तत्व का चिंतन कर ले, दशरथ जी कौन है? बोले दशरथ जी ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान ने ब्रह्म को बुलाया आओ, लेकिन भगवान नहीं आए। तब बोले तब दशरथ जी ने सोचा अब कौशल्या का सहारा लेना पड़ेगा, कौशल्या तुम जाओ पकड़ करके। जब ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त करना संभव नहीं होता है तब भक्ति का आश्रय लेना पड़ता है। कौशल्या कौन है? बोले भक्ति स्वरूप। ज्ञान स्वरूप श्री दशरथ जी महाराज ने प्रयास किया, राम जी नहीं आए, तब भक्ति स्वरूपा कौशल्या से निवेदन किया आप जाओ और जाकर के राम जी को लेकर आओ। भक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय है, भक्ति के वश में भगवान रहते हैं। कौशल्या मैया गए, लेकिन भक्ति के वश में भगवान कब रहते हैं? बोले जब भक्ति को अपनी विशिष्टता का अभिमान न हो। उससे भी सूक्ष्म बात यह, भगवान भक्ति के परवश हैं,
भक्ति भगवान को वश में कर लेती है, लेकिन कब? बोले जब भक्ति को यह अभिमान न हो कि मैं भगवान को वश में कर पाऊं। अगर भक्ति को अभिमान हो गया कि मैं तो भगवान को वश में कर लूंगी, तो फिर भक्ति के वश में भी भगवान नहीं होगा। दशरथ जी ने कहा, जाओ कौशल्या राम को ले आओ। कौशल्या जी चल पड़ी। भक्ति स्वरूपा कौशल्या ने सोचा, दशरथ जी के कहने पर नहीं आए, अब मेरे कहने पर आ जाए। विराजमान आ गया तो भगवान और भागने लगे। कौशल्या जब बोलन जाई, घूंघट मुख प्रभु चलहिं पराई। कौशल्या जब बोलन जाई, घूंघट मुख प्रभु चलहिं पराई। घूंघट मुख प्रभु चलहिं पराई। कौशल्या जी ने सोचा, मैं पकड़ लूंगी, महाराज के बुलाने पर नहीं आए, मेरे जाने पर तो आ ही जाएंगे। ये थोड़ा मान हो गया, अभिमान हो गया। ठाकुर जी और आगे बढ़ गए, ठुमक ठुमक प्रभु चले ही पर आई। इसीलिए अगली चौपाई में गोस्वामी जी ने संकेत कर दिया, निगम नेत शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। ये जननी का हठ है कि मैं पकड़ लूंगी। वेद जिनको नहीं पकड़ पाए, निगम नेत, निगम माने वेद, वेद ने जिनको नेति कहा, नो इति नो इति, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तैत्तिरीय उपनिषद में आनंद वल्ली में वेद भगवान कहते हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते, जहां वाणी जाकर के लौट आती है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जिसको मन से भी पाया नहीं जा सकता। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, वो आनंद तत्व ब्रह्म तत्व, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चनेति न इति न इति। उसका वर्णन करने के बाद भी अंत में वेदों ने कहा न इति, उसका वर्णन नहीं किया। निगम नेति, निगम ने, वेद ने कहा नेति न इति। शिव अंत न पावा, भगवान शिव अंत नहीं पाए जिनका, भगवान शिव जिनका अंत नहीं पाते। हमारे यहां तो आचार्यों ने लिखा है, विधि शिव सनकाद्यैर्ध्यातुम अत्यंत दूरम, ब्रह्मा शंकर सनकादिक, ध्यान में भी भगवान का पूरा पूरा दर्शन नहीं कर पाते महाराज। विधि शिव सनकाद्यैर्ध्यातुम अत्यंत दूरम, उनके ध्यान से भी अत्यंत दूर है। लेकिन वो भगवान अपने भक्तों को सुलभ हो जाते हैं। यही बात कृष्ण जी के विषय में है, राधा सुधा में, तो राधा जी के स्तवन में कहते हैं कि यो ब्रह्म रुद्र शिव नारद व्यास मुख्यैः आलक्षितो न सहसा। यो ब्रह्म रुद्र शिव नारद व्यास मुख्यैः आलक्षितो न सहसा, ये बड़े बड़े ज्ञानी भी जिनको सहसा आलक्षित नहीं कर सकते। पुरुषस्य तस्य, वो पुरुष जो भगवान है, उनको बस में करने का एक चूरन है हमारे पास। क्या बात कहते हैं, जिन पुरुष को यो ब्रह्म रुद्र शिव नारद व्यास मुख्यैः आलक्षितो न सहसा, पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण, उनका वशीकरण चूर्ण हमारे पास है, अनंत शक्ति। उस चूरन में बड़ी शक्ति, वो शक्ति कौन सी है? बोले श्री राधिका चरण रेणु महम भजामि, राधा रानी के चरणारविंद की रज। राधा रानी कौन है? बोले भक्ति स्वरूपा है, भक्ति का आश्रय ले लो, भक्ति के चरण रज तुम्हारे मत्थे पर लग जाए, भक्ति महारानी की कृपा हो जाए, तो यो ब्रह्म रुद्र शिव नारद व्यास मुख्य आरक्षितो न सहसा, पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण अनंत शक्ति। तो निगम नेत शिव अंत न पावा, ताई धरे जननी हठि धावा। जननी को हठ हो गया, इसलिए भगवान और भागने लगे। ठुमक ठुमक करके भगवान आगे चल पड़े। ठुमक ठुमक प्रभु चले पराई। इस ठुमक में भी कितना रस है। ठुमक चलत रामचंद्र भजन, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, पाजत पे जनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, तिलक
किलक उठत धाय, किलक किलक उठत धाय, किरत भूमि लट पटाय, किरत भूमि लट पटाय, धाय मातु भोलेत, धाय मातु भोलेत, दशरथ के कौशल्या गई पकड़ने के लिए और पकड़ नहीं पाती। अंत में माँ कौशल्या थक गई। माँ कौशल्या जब थक गई तो कौशल्या ने कहा, लाला अब मैं तुझे पकड़ नहीं पाऊंगी, अब तो रुक जा। ये समर्पण, ये भाव आ गया तो समर्पण। हम उस ब्रह्म को पकड़ लेंगे, पा लेंगे, ये कर्तृत्वाभिमान है। और ये कर्तृत्वाभिमान छूट करके समर्पण में परिणत हो जाए, बदल जाए, अब हम नहीं पकड़ पाए। यही शरणागति, यही समर्पण है। शरणागति का भाव आ गया। कौशल्या ने कहा, लाला मैं थक गई, रुक जा, अब मैं तुझे नहीं पकड़ पाऊंगा। भगवान ने कहा, अब पकड़ लो। ठाकुर खड़े हो गए, मैया ने पकड़ लिया। यही भाव कृष्ण अवतार में भी, दही की मटकी फोड़ करके भगवान जब भागे तो मैया कौशल्या छड़ी लेकर के दौड़ पड़ी पकड़ने के लिए। दौड़ती जा रही है, पकड़ नहीं पा रही है। अंत में माँ कौशल्या जब थक गई तो भगवान स्वयं पकड़ में आ गए। लेकिन फिर अभिमान प्रकट हो गया, मैं इनको बांध लूंगी। बांधने चली, रस्सी छोटी पड़ गई। तदपि द्वयंगुलम न्यूनम संदधे नच्च गोपिका, दो अंगुल रस्सी कम पड़ जाए। घर की जितनी रस्सी थी सब रस्सी जोड़ दिया यशोदा रानी ने, लेकिन रस्सी पूरी नहीं भई। बांधने चलती तो दो अंगुल कम पड़ जाए, बस दो अंगुल इतने। तदपि द्वयंगुलम न्यूनम, ये दो अंगुल की कमी क्या है? न तीन अंगुल की कमी भई, न चार अंगुल की कमी, न एक अंगुल की, दो अंगुल की। तदपि द्वयंगुलम न्यूनम, कहते दो अंगुल की कमी क्या है? बोले एक भगवान की तरफ से, एक भक्त की तरफ से। भगवान की तरफ से एक अंगुल की कमी ये है कि जब तक वो चाहेंगे नहीं तब तक तुम उनको बांध नहीं पाओगे, न पकड़ पाओगे, न पा पाओगे। सोई जाने जो देव जनाई, जब वो जनाना चाहेंगे तब तुम जान पाओगे। ये भगवान को करना है, ये हमारे बस में नहीं। किसी को उपनिषद में, कठोपनिषद में कहते हैं कि नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न यमे वैश वृणते तेन लभ्या। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या, ये परमात्मा प्रवचन से नहीं मिलता। कितना भी प्रवचन सुन लो, कितना भी प्रवचन सुना दो तो आप कहोगे तो फिर फालतू में इतना रुपया क्यों खर्चा कराया हमारा? पवन जी पूछ सकते हैं कि भाई प्रवचन से भगवान नहीं मिलते तो ये प्रवचन का इतना बड़ा कार्य दुनिया में क्यों होता है? कहते देखो, प्रवचन से भगवान मिलेंगे इसकी गारंटी नहीं हो, लेकिन कैसे मिलेंगे ये ज्ञान जरूर प्रवचन में मिलता, इसलिए प्रवचन नहीं। प्रवचन से भगवान नहीं मिलते। तो श्रुति कहती है कठोपनिषद में कि नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, उस परमात्मा को प्रवचन से नहीं प्राप्त कर सकते। न मेधया, मेधा माने बुद्धि, बुद्धि से भी उसको नहीं प्राप्त कर सकते। बुद्धिमानों से तो भगवान बहुत दूर रहते महाराज, जानते हैं कि ये बुद्धिमान जो है मेरी भी दुर्दशा कर देंगे। वो तो पागलों के मित्र हैं, बुद्धिमानों से भगवान बहुत दूर रहते हैं। पागलों के यार हैं भगवान, बस जो उनके प्रेम में पागल है उसके यार हैं भगवान, बाकी बुद्धिमानों से भगवान बहुत दूर रहते। कबीरदास जी की एक कथा है, कबीरदास जी की कुटिया में, कुटिया के बगल में एक बेस्या रहती थी, उसका कोठा था। वहाँ बड़े बड़े आशिक उसके यहाँ आया करते थे और शाम होते ही महाराज दरबार लगता था उसका, राग रागनी छिड़ती थी और लोग अपना रस में डूबते थे। कबीरदास जी महाराज भी क्या करें, उसी समय अपना खरताल निकाल लें और रघुपति राघव राजा राम उनका कीर्तन शुरू हो गया। अब
कबीर दास जी जब कीर्तन करें तो उधर गाने बजाने वालों का ताल बेताल हो जाए, स्वर भंग हो जाए। सब ने कहा ये बाबा कहाँ से पड़ोस में आ गया, हम लोगों के आनंद में बाधक है। तो उस नर्तकी ने कहा बाबा है कहीं से आ गया, मैं क्या करूँ। उसके जो आशिक थे उन लोगों ने कहा इस बाबा को यहाँ से भगाओ। बोले क्या उपाय, बोले इसकी कुटिया में आग लगा दो। सब पी करके धुत थे, आग लगा दिया कबीरदास की कुटिया। कबीरदास जी की कुटिया धू धू जलने लगी। कबीरदास जी कुटिया से निकल करके बाहर आ गए, पेड़ के नीचे बैठ गए, फिर कीर्तन करने लगे। अब जब कुटिया जली, अग्नि की ज्वाला बढ़ी, तो अग्नि के बाप का नाम है पवन। अग्नि के बाप का नाम है पवन, बायोर अग्नि ही वेद कहता है। आकाशात वायु, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, बायोर अग्नि, और वायु से अग्नि उत्पन्न हुई। अग्नेर आपह, और अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ये पंच तत्व की उत्पत्ति का क्रम। तो अग्नि के बाप का नाम पवन। तो महाराज जब अग्नि लगी तो पवन देवता भी आ गए। इसीलिए लंका में हनुमान जी ने जब आग लगाई तो वहां भी पवन देवता आ गए। हरि प्रेरित नहीं अवसर चले मरुत, उनचासो मरुत आ गए। अब महाराज जोर जोर की हवा चली और अग्नि की एक लपट उठी, और बगल में पड़ोसिन जो थी वेश्या उसके कोठे पर पहुंच गई। तो पड़ोसी के घर में आग लगेगी तो डर लगनाते हैं। आग की एक लपट पहुंची और उसके यहाँ बड़े सुंदर सुंदर सिल्क के पर्दे लगे हुए थे, साज सज्जा थी काली में बिछी। आग लग गई महाराज, देखते देखते उसका कोठा जलने लगा, सब तो भागे। अब वो वेश्या भी वहां से भागने लगी। तब तक हवा के झोंके से एक जलता हुआ सिल्क का पर्दा आया और छप से उसके मुंह पर पड़ा, पूरा मुंह झुलस गया, जल गया, सारा सौंदर्य नष्ट हो गया। अब कौन पूछे उसको, उसके आशिक तो सब चले। दूसरे दिन रोती चिल्लाती कबीरदास जी के चरण में आई, प्रणाम। बोले महाराज अब तो मुझे भी मंत्र दे दो, कंठी पहना दो, मैं भी राम राम करूं। बोले क्यों, तुम अपना काम करो। उसने कहा अब धंधा बंद, अब कोई पूछेगा ही नहीं, अब तो मुंह जल गया कि मैं देखने लायक भी नहीं हूं, कौन मेरे यहां आएगा। अब तो मैं भगवान का भजन करूंगी, और मैंने पाप किया, मेरे कारण आपकी कुटिया जली, उसी का दंड मुझे मिला। तो कबीर दास जी हंसने लगे। कबीर दास जी ने कहा नहीं नहीं ऐसा मत कहो, तुम तो मेरी पड़ोसन हो, मेरे पड़ोस में रहती हो, तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं, और तुम्हारा हमारा तो झगड़ा ही नहीं है, ये तो यारों का झगड़ा है। तेरे यार ने मेरा घर जलाया और मेरे यार ने तेरा घर जलाया, मेरा घर जलाया, तो यारों का झगड़ा, और तू तो मेरे पड़ोस की, तू भी भजन कर, मैं भी भजन करता हूँ, माला कंठी पहना दे। तू तो ऐसे पागलों के यार हैं भगवान, बुद्धिमान भगवान को नहीं ढूंढ पाते, बुद्धिमानों से भगवान बहुत दूर रहते। महाराज वेद भगवान कहते हैं नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो, वो परमात्मा प्रवचन से नहीं मिलता, न मेधया बुद्धि से नहीं मिलता, न बहुना सुरते न बहुत सुन लो। हम बहुत सुनते हैं, बहुत सुने हैं प्रवचन, बोले तो सुनने से भगवान नहीं मिलते। तो प्रश्न हुआ फिर भगवान मिलेंगे कैसे, तो वेद भगवान स्वयं उत्तर देते हैं, यमे वैष वृणुते, वो स्वयं जब तुम्हारा वर्ण करेगा, यमे वैश वृणुते तेन लभ्य, वो जब तुम्हारा स्वयं वर्ण करेगा तब तुम उसे प्राप्त कर पाओ। इसी मंत्र की व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने की, सोई जाने जेहि देह जनाई, जानत तुम्ही तुम्ही होई जाई। तो ये एक अंगुल की कमी भगवान के तरफ से, बात वहां चल रही थी दो अंगुल की, अभी तो एक अंगुल की बनी। एक अंगुल की कमी भगवान की तरफ से, जब तक भगवान चाहेंगे नहीं तब तक जीव भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। और दूसरी कमी जीव के तरफ से, जीव के तरफ से कमी क्या है एक अंगुल की, बोले जीव जब तक ये सोचता है कि मैं अपने साधनों से भगवान को पा लूंगा तब तक वो भगवान को पा नहीं सकता। जीव का साधनाभिमान नष्ट हो जाए, जीव का कर्तृत्वाभिमान नष्ट हो जाए और भगवान स्वयं उसे प्राप्त होने के लिए तैयार हो जाए, यही दो अंगुल की कमी है। ये कमी दूर हो जाए तो जीव ब्रह्म का मिलन। हमारा अभिमान छूट जाए, हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे ये छोड़ करके हम भगवान पर भरोसा कर लें, ठाकुर अब हम तुम्हें नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तुम स्वयं कृपा। इसी को हमारे यहां वेदांत में बड़े सुंदर ढंग से समझाया गया
कि कोई बच्चा आंगन में रो रहा हो और उसकी माँ तीन मंजिल मकान के ऊपर कोई काम कर रही हो, मानो तीन मंजिला घर हो, और नीचे आंगन में बच्चा पालना में रो रहा हो और उसकी माँ तीसरे मंजिल पर कोई काम कर रही हो, वो बच्चा अपनी माँ की गोद में जाना चाहता है तो कैसे जाएगा? वो अपने स्वयं के प्रयास से तीन मंजिल ऊपर माँ की गोद तक नहीं जा सकता। वो कितना भी प्रयास करे उसके सारे प्रयास व्यर्थ हैं। वो माँ की गोद में कैसे जाएगा? बोले एक उपाय है कि माँ स्वयं ऊपर से नीचे उतर के आ जाए, उसको गोद में उठा ले, यमे वैश्य बढ़ते वो स्वयं गोद में ले ले। ये उपाय, माँ स्वयं आकर के उसे अपनी गोद में ले ले, एक उपाय। और माँ कब आएगी? बोले जब तक बच्चा माँ के लिए व्याकुल नहीं होगा तब तक आएगी नहीं। जब तक वो हंसता रहेगा, खेलता रहेगा, खिलौना दे करके माँ चली जाएगी ले खेल, बच्चा खिलौना खेलने में लग गया, माँ अपना काम कर रही है। जब वो खिलौने को भी फेंक करके, खाना भी छोड़कर, पीना भी छोड़ करके माँ के लिए रोएगा तो माँ हजार काम छोड़ कर क्या है। यही प्राप्ति का किसी को वेदांत में शरणागति कहते हैं, आर्त्र शरणागति। कौशल्या मैया पकड़ने गई, जब तक उनको अभिमान था मैं पकड़ लूंगी तब तक पकड़ नहीं पाई। ताई धरे जननी हट जावा, अंत में मैया ने कहा ठाकुर अब मैं तुझे नहीं पकड़ पाऊंगी, लाला मैं थक गई। तो भगवान रुक गए, जब रुक गए तो मैया ने जाकर के रामलला को पकड़ लिया, लेकर के आ, पूरे शरीर में धूल लगी हुई है राम जी के, खूब धूल में खेल रहे हैं। आगे की चौपाई बोल रही है, दूसर धूल भरे तनु आए, दूसर धूल भरे तनु आए, भूपति भी हंसी गोद बैठाए, भूपति भी हंसी गोद बैठाए, दूसर धूल भरे तनु आए, दूसर धूल भरे। राम जी के शरीर में धूल लगी है और मैया लाला को लेकर के आ गई। ठीक ऐसा ही प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आता है कि जब नंद बाबा भोजन करने लगे तो भोक्षमाणो ब्रजाधिपः, ब्रजराज नंद बाबा जब भोजन करने लगे तो उन्होंने कन्हैया को बुलाया और माँ यशोदा पकड़ने गई और पकड़ करके लेकर के आई। ठीक ऐसी ही कथा भागवत में भी कृष्ण भगवान को। अब वहां पर थोड़ा अंतर है और यहां थोड़ा अंतर है, वो अंतर आपको बताऊं। वहां अंतर ये है, वहां भी भगवान धूल धूसरित आए, जैसे यहां गोस्वामी जी लिखते हैं धूसर धूरी भरे तनु आए, वहां पर भागवत में लिखते हैं धूल धूसरितांगस्त्वं पुत्र मज्जनमावह। वेदव्यास जी लिख रहे हैं धूल धूसरितांगस्त्वम, नंद बाबा ने कहा रे कन्हैया धूल धूसरितांगस्त्वम, तुम्हारे शरीर में धूल लगी हुई है, जाओ पहले स्नान करके आओ, पुत्र मज्जन मा बह पहले स्नान करो। अद्य जन्मक्ष योगस्ते, आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, विप्रेभ्यो देहि गाम शुचि, और स्नान करके ब्राह्मणों को गोदान करो, पूजन करो, उसके बाद भोजन करो। पिताजी ने कहा नंद बाबा, और यहां बोले यहां राम जी आए तो तुरंत गोद में बैठा लिया दशरथ जी ने, दूसर धूरी भरे तनवाए, भूपति गृहस गोद बैठाए। और सूक्ष्म चिंतन करो तो कन्हैया को इस शरीर में धूल लग गई है तो समझ में आती है बात, क्यों? बोले कन्हैया गांव के हैं, ग्वारिया हैं, नदी के किनारे ब्रजमंडल में जमुना के तट पर क्रीड़ा करते हैं, उनके शरीर में मिट्टी लग गई तो कोई आश्चर्य की बात। राम जी तो चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, जिनका आंगन दशरथ जी का अजीर मणिमय है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुसु दशरथ अजीर, दशरथ के अजीर में, दशरथ के प्रांगण में विहरण करने वाले रघुनंदन। हम आप आज के समय में जो संभ्रांत लोग हैं, संपन्न लोग हैं, उनके घर के आंगन में और उनके घर में धूल नहीं होती, बच्चों को धूल नहीं लगती, और चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र को धूल लग जाए? कोई कूड़ा में खेल रहे थे राम जी के, तो धूल लगी कहां से राम जी को?
गोस्वामी जी ने तो लिख दिया, दूसर धूरी भरे तनुआए। और उस धूल को दशरथ जी ने झाड़ा भी नहीं, वैसे ही राम जी को बैठा लिया। भूपति भी हंस गोद बैठाए। हमारे अयोध्या के संत कहते हैं वो धूल कोई और धूल नहीं थी। जब राम जी अयोध्या में बाल लीला करते तो भगवान की लीला को देखने के लिए भगवान भोलेनाथ आते हैं। किसी न किसी रूप में भगवान शिव आकर के राम जी की बाल लीला देखते और एकांत पाकर के भगवान को हृदय से लगाते। आज की लीला में भगवान भोलेनाथ आए थे, और कौन सी लीला चल रही थी? बोले भगवान अपने सखाओं के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। एक चोर बन जाए बाकी सब छिप जाए, अब चोर खोजे। तो भगवान छिपे थे और सखा खोज रहे थे। तो जहां भगवान एकांत में छिपे थे उसी जगह पर भगवान भोलेनाथ भी प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने सोचा ऐसे एकांत में भगवान का मिलन होगा, यहां कोई भय नहीं कोई संकोच नहीं, एकांत में ठाकुर का दर्शन। भगवान कहीं छिपे थे और खेल चल रहा था सखाओं का, उसी समय भोलेनाथ वहां प्रकट हो गए। भोलेनाथ को देखा रघुनंदन ने प्रणाम किया। भोले बाबा ने कहा रामलला सरकार आपको गोद में लेकर के हृदय लगाने का मन करता है। राम जी ने कहा इससे सुंदर अवसर और कहां होगा। तुरंत रामलला सरकार को उठाया भोले बाबा ने और लेकर के हृदय से लगाया। परम आनंद की अनुभूति हुई। तब तक उधर से खोजते खोजते सखा आ गए। सखा आए तो भोले बाबा तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। भोले बाबा जब अंतर्ध्यान हो गए तो भोले बाबा के शरीर में जो चिता की भस्म लगी थी, धूल लगी थी, वो सब राम जी को लग गई। भोले बाबा के शरीर की जो भस्म थी, जो धूल थी, वो धूल राम जी को लग गई। लेकिन आज भोले बाबा ने जो भस्म लगाई थी वो चिता की भस्म नहीं थी। तो भोले बाबा का भी एक पक्का नियम था, भोले बाबा कभी भी राम जी से मिलने अयोध्या में आते हैं तो पहले सरजू में स्नान करते हैं। क्यों? बोले जा मज्जनते बिना ही प्रयासा मम समीप कर पाऊंगा। बिना सरयू में स्नान किए कोई राम जी का सामीप्य प्राप्त नहीं कर सकता। राम जी के समीप जाना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर वो योग्यता तभी आएगी जब सरयू में स्नान करोगे। इसलिए पहला काम सरयू स्नान। भोले बाबा आते तो अयोध्या में बोले सरजू जी में स्नान करो। सरजू में स्नान करने पर उनके चिता की भस्म जो शरीर में लगी रहती वो सब धुल जाती। अब योगी है, योगी को तो बिना भस्म के रहना नहीं चाहिए। तो अयोध्या में सरयू के तट की जो धूल है, अयोध्या की धूल, उसी धूल को लेकर के भोले बाबा अपने शरीर में पूरा लगा लेते और तब आते राम जी का दर्शन करने के लिए। तो राम जी से जब मिले तो वो सब धूल राम जी के शरीर में लग गई। राम जी ने देखा मेरे भक्त भोलेनाथ के शरीर का ये श्रृंगार, इसलिए इसको झाड़ना ठीक नहीं, भगवान ने भी नहीं झाड़ा। और वैसे धूल लगाए चले आए, धूसर धूल भरे तनवाए, और भूपति भी हंस गोद बैठाए। दशरथ जी ने भी अपने गोद में बैठा लिया। वैसे दशरथ जी तो प्रेम में सब कुछ भूल जाते, बैठा लिया गोद में और भोजन कराने लगे। लेकिन भोजन में राम जी का मन नहीं लगता। भोजन करत चपल चित, भोजन तो कर रहे हैं लेकिन चित्त चंचल, मन सखाओं में लगा। क्यों? बोले सखा धर्म का भगवान स्मरण कर रहे हैं। सखा धर्म क्या है? बोले समाना ख्यातिर यस्य असौ सखा। समान ख्याति जिसकी हो उसको कहते हैं सखा। ये सखा संबंध ही एक ऐसा संबंध है जिसके लिए एक ही शब्द है। दुनिया में जितने संबंध हैं उनके संबंधों के वाचक दो शब्द होते हैं दोनों के। जैसे स्त्री पुरुष हैं, दोनों का संबंध है तो एक को कहेंगे पति और दूसरे को कहेंगे पत्नी है? माँ और बेटे का संबंध है तो एक को कहा जाएगा बेटा, एक को कहा जाएगा माँ। बाप बेटे का संबंध, वहाँ भी दो संबंधवाचक शब्द हैं, एक बाप एक बेटा। लेकिन दो सखा हों तो उनके लिए अलग शब्द नहीं है, उसके लिए भी सखा, उसके लिए भी सखा। ये इसका सखा, ये इसका सखा, समान ख्याति रहे दोनों, समान ख्याति हो। और सखा धर्म समानता का, सखा धर्म तो भगवान से सीखना चाहिए। ठाकुर जी ने सोचा ये कैसा सखा धर्म है,
कि दिन भर सखाओं के साथ खेलें और जब खाने पीने का समय आवे तो अकेले जाके खा के घर में से चले आवे, फिर कहें चलो खेलो। अरे कैसी दोस्ती! अरे दोस्ती तो तब है जब खाना पीना खेलना सब साथ में। अब राम जी सोचने लगे मेरे सखा तो बाहर रहे और मैं इतना सुंदर सुंदर व्यंजन खाऊं, ये मित्र घर में, इसलिए भगवान का मन लग नहीं रहा। भोजन करत चपल चित इतो उत अवसर पाए, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, कहीं अवसर मिल जाए मैं भागूं और अपनी सखाओं के पास। और तब तक अवसर मिल गया, भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाए। अवसर देख करके भगवान वहां से भागे, और कैसे भागे? दही और भात एक मुट्ठी में भगवान ने लिया और लेकर के भागे। इस पंक्ति का दो अर्थ विद्वान लोग करते हैं, भाज चले किलकत मुख, यहां तक एक वाक्य कर दो, भाज चले किलकत मुख, मुख पर जिनके किलकारी दिखाई पड़ रही है ऐसे ठाकुर भाग गए। कैसे गए? बोले दधि ओदन लपटाए, दही और भात मुट्ठी लपेट के ले गए। और दूसरा अर्थ बोले भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाए, अपने मुख में दही और भात लपेटे हुए भाग गए। दोनों अर्थ घटित भी होता है, मुख में भी दही भात लगा है और हाथ में भी दही भात लिए हुए भगवान भाग करके गए। क्यों लेकर के गए हाथ में? बोले अपने सखाओं को खिलाएंगे। बोले एक मुट्ठी में वे सखा तृप्त हो पाएंगे? बोले सब तृप्त हो जाएंगे। ये मुट्ठी किसकी है? बोले विश्वंभर की, जो सारे विश्व का भरण पोषण करते हैं। और उनका संकल्प बोले एक अन्न के कण से सारे विश्व को वो तृप्त करने का सामर्थ्य रखते हैं, उनकी मुट्ठी है। किसी अहरे गहरे नथु खैरे की मुट्ठी नहीं है। कृष्ण भगवान ने एक साग का पत्ता खा लिया, सारे महर्षि दुर्वासा जी के जितने चेला थे सबको डकार आने लगी, सब तृप्त हो गए। वो भगवान एक मुट्ठी लेकर के गए और सब सखाओं को खिलाया थोड़ा थोड़ा। वहीं पर काक भुसुंडी जी भी थे, खेल रहे थे। काक भुसुंडी जी कौए के रूप में अयोध्या में आकर भगवान की लीला का दर्शन करते, उनको अपने खाने और पीने की सुध भी नहीं रहती, भगवान की लीला में इतने मत, तो भगवान को चिंता होती काक भुसुंड क्या खाएगा। काक भुसुंड जी उत्तरकांड में कहते कि लरिकाही जहां जहां फिरही तहां तहां संग राम। राम जी बालक बनकर के लीला करते, जहां जहां भगवान जाते वहीं वहीं फुदकते रहते थे काक भुसुंड जी कौए के रूप। लरिकाही जहां जहां फिरही तहां तहां संग राम, और जूठन परे अजिर मह सोई उठाई करी खाऊं। राम जी जो जूठा गिरा देते वो उठा करके। दोनों अवतार में ऐसा होता है, कृष्णा अवतार में भी काक भुसुंडी जी भगवान की लीला देखते हैं, लेकिन कृष्णा अवतार में काक भुसुंडी जी को खाने को नहीं मिलता। क्यों? बोले वहां तो काक भुसुंडी को भगवान के हाथ से छीन करके खाना पड़ता। काग को भाग कहा कहिए हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, वहां तो भुसुंडी को छीन करके खाना पड़ता। और यहां पर बोले यहां राम जी स्वयं चिंता करते हैं मेरा काग भुसुंडी क्या खाए। लेकर के गए, सखाओं को खिलाया, जो बचा था हाथ में उसको झाड़ दिया, काग भुसुंडी जी ने ले लिया। तब तक भगवान के एक सखा और आ गए, उनका नाम था सुयज्ञ। भगवान के परम प्रिय सखा सुयज्ञ। सुयज्ञ ने कहा लाल जी सबको आपने प्रसाद दे दिया, मेरे हिस्से का प्रसाद कहाँ है? राम जी ने कहा अब तो सब खत्म हो गया, हाथ भी धुल गया, जो हाथ में लगा था वो भी झाड़ दिया। काक भुसुंडी जी ने उसे चुन लिया। सुयज्ञ जी ने कहा मेरे हिस्से का प्रसाद तो कोई ले नहीं सकता, वो तो मेरे हिस्से का मिलेगा ही। राम जी ने कहा कहां मिलेगा, अब तो है ही नहीं। सुयज्ञ जी ने भगवान रघुनंदन के दोनों हाथ को पकड़ा और कहा लाला तेरे गाल पे भी दही भात लगा हुआ, ये मेरे हिस्से का। पकड़ करके भगवान रघुनंदन के गाल को चाट लिया जी, चाट करके उस प्रसाद को ग्रहण कर। ऐसे ऐसे भगवान के सखा। भोजन करत चपल चित अवसर पाई, भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाए।
बाल चरित अति सरल सुहाए सारद शेष संभु शुद्ध गाए। भगवान का ये बाल चरित्र अद्भुत इस प्रकार धीरे धीरे भगवान बड़े होते हैं। और भी भगवान के बहुत बाल चरित्र हैं। एक दिन चंद्रमा को देख करके भगवान मचल गए, मैया से कहते मैया ये चंद्रमा मुझे दिला दो। सूरदास जी तो कृष्ण भगवान के विषय में कहते हैं ना, मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं। लेकिन राम जी भी अपनी मैया से यही कहते, गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि कबहू की शशि मांगत आर करे, कबहू की शशि मांगत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहारि डरे। कबहू की शशि मांगत आर करे, चंद्रमा को देख करके भगवान मचल गए, बोले मैया मैं तो चंद्रमा लूंगा। कौशल्या जी ने कहा वो चंद्रमा बहुत दूर है, मैं कैसे लाऊं। भगवान ने कहा नहीं मैं तो चंद्रमा लूंगा। कौशल्या जी बड़ी भोली है, लाला को समझा नहीं पा रही। माँ केकई आ गई, महारानी केकई ने कहा लाओ दीदी मैं समझाती हूँ लाला। राम लला को गोद में ले लिया और कहा बेटा चंद्रमा चाहिए, बोले हाँ मैया। केकई महारानी ने कहा ठीक है अभी मैं चंद्रमा को बुलाती हूँ, चंद्रमा कैसे नहीं आएगा तुम्हारे लिए आएगा। और महारानी केकई ने दासी को संकेत किया, एक दासी सोने का परात लेकर के आई, पानी भर करके आंगन में रखा, पानी हिल रहा था। मैया केकई ने कहा लाला इसी परात में इसी बर्तन में चंद्रमा को मैं बुलाती हूँ। रामलला ने कहा कैसे बुलाओगी। मैया ने कहा तू अपनी आंखें बंद कर ली फिर मैं बुलाऊं, क्योंकि चंद्रमा देवता है, देवता का आवाहन करने के लिए, देवता का विसर्जन करने के लिए, देवता को भोग लगाने के लिए आंख बंद करना पड़ता है, इसीलिए लोग देवता की पूजा करते तो आंख बंद करके। मैया ने कहा लाला तू अपनी आंख बंद कर ले तो मैं चंद्रमा को बुलाऊं। राम जी ने आंख बंद कर ले और महारानी केकई ने कुछ अभिनय किया। महारानी केकई ने कहा चंदा मामा आरे आवा पारे आवा, नदिया किनारे आओ, माताएं आज भी गीत गाती हैं, वही सब गीत गाया मैया ने। ठाकुर चंद्रमा को बुलाया, पानी तब तक स्थिर हो गया, पानी जब स्थिर हो गया चंद्रमा का धवल प्रतिबिंब दिखाई पड़ने लगा। मैया ने कहा लाला आंख खोल देख चंद्रमा आ गया। राम जी ने देखा चमकता हुआ चंद्रमा पानी में, ठाकुर जी ने हाथ लगाया पकड़ने के लिए, पानी हिल गया, चंद्रमा का प्रतिबिंब भी ऐसे ऐसे हिलने लगा, ठाकुर जी डर गए। रामलला ने कहा मैया ये तो कोई जंतु है, ये कहीं काट न ले। मैया ने कहा हाँ ये पानी का जंतु है, समुद्र से पैदा हुआ, चंद्रमा तो समुद्र से पैदा हुआ। मैया केकई ने कहा ये जल जंतु है, बोले तब मैं इसे नहीं छूंगा। तो मैया केकई ने कहा अच्छा तुझे डर लग रहा है तो ठीक है मैं इसको हटा दूं। दासी को इशारा किया, दासी थाली लेकर के चली गई। ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान करते हैं। कबहू शशि मांगत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहारे डरे। कभी भगवान अपने प्रतिबिंब को देख करके ही डरने लगते, कभी ताली बजा करके भगवान नाचते, कभी जिस चीज की जिद कर लेते जब तक वो वस्तु मिल न जाए तब तक उनका हठ टूटता है। इस प्रकार भगवान अपनी माताओं को अवधवासियों को सुख प्रदान करते धीरे धीरे और बढ़ो। एक दिन एक महल की दासी महल में अंतरंग सेवा करती थी, वो गई अपने घर तो अपनी पड़ोसन से वर्णन किया, आहा महारानी कौशल्या के जो कुमार हैं रघुनंदन उनका दर्शन उनकी छवि अद्भुत, जो उनका दर्शन कर लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो उस दासी ने सोचा मुझे कैसे दर्शन होगा, तो जो सेवा करती थी उसने कहा महल में जाओ तभी दर्शन होगा, महल के बाहर तो उनका आना संभव नहीं। तो उस दासी ने प्रतिज्ञा कर ली आज मैं किसी भी प्रकार रामलला का दर्शन करूंगा, चाहे मुझे रामलला के दर्शन के लिए अपने प्राण ही क्यों न त्यागने। वो दासी आकर के प्रातः काल
चार बजे से ही, तीन बजे से ही आकर के महल के द्वार पर खड़ी हो गई कि जैसे महल का द्वार खुलेगा मैं दौड़ के भीतर जाऊंगी, कोई मुझे कितना भी रोके मैं रुकूंगी नहीं और लाला का दर्शन। अब सोचो एक राजमहल में एक सामान्य स्त्री जिसका कहीं कोई परिचय नहीं, वो कहां जा पाएगी। लेकिन हट था उसका, भगवान सोचने लगे वो यहां तक आ नहीं पाएगी, मुझे ही चल करके उसे दर्शन देना पड़ेगा। अब भगवान ने एक बड़ी अद्भुत लीला की, इसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं कि रात्रि में अचानक 2 बजे ही भगवान रोने लगे नींद खुल। जब रोने लगे तो माँ कौशल्या ने चुप कराने का प्रयास किया, दुलराया हलराया, रोना बंद नहीं हुआ। महारानी केकई जग गई, सुमित्रा जी जग गई, तीनों महारानियों ने मिलकर के चुप कराया, रामलला का रोना बंद नहीं हुआ। तब तक दशरथ जी की जो और रानियां थी 350 रानियां वो भी जग गई। दशरथ जी की 350 रानियां और 3 पट रानियां थी, और पद्म पुराण के अनुसार तो दशरथ जी की 700 रानियां थी। 700 रानियों का वर्णन, इसीलिए मिथिला की सखियां जब राम जी को व्यंग वचन सुनाती हैं तो कहती हैं, मिथिला की सखियां विवाह के अवसर पर जब राम जी को गाड़ी देती हैं तो कहती हैं, महाराज दुल्हा में बड़ी विशेषता है। वो क्या विशेषता? बोले सजनी सजनी बर में बड़बड़ बात, बर माने दुल्हा, इस दुल्हे में बड़ी बड़ी विशेषता है। सजनी बर में बड़बड़ बात, इस बर में बड़ी बड़ी विशेषताएं। क्या विशेषता है? बोले इनके पिता जो है ना वो 10 रथ हैं। 10 रथ, 1 रथ 2 रथ नहीं, 10 रथ। और इनकी माताएं कितनी? बोले 700। तो दूसरी सखी ने कहा 1 रथ पे कितनी माताएं बैठ करके यात्रा करती होंगी, ये बताओ, हिसाब बताओ। अब मनोविनोद का प्रश्न। एक सखी ने कहा मैं बताऊं? बोले सीधा सीधा हिसाब है। बोले क्या सीधा हिसाब? बोले 1 के ऊपर 70 70 होए बड़ो उत्पात सजनी बड़ में बड़बड़ बात। मिथिला की सखियां कहती 1 पे 70 70 का हिसाब पड़ेगा, और क्या 700 में 10 का भाग करो। 1 के ऊपर 70 70 होए बड़ो उत्पात सजनी बर में बड़बड़। तो दशरथ जी महाराज की 700 रानियों का वर्णन, और सभी माताओं का भगवान ने दूध पिया है महाराज। जिन माताओं ने बालक को जन्म नहीं दिया उन माताओं ने भी बड़े दुलार से लाड से रामलला को अपना स्तनपान कराया, और हृदय के वात्सल्य के कारण उनके पयोधर में भी दुग्ध उतर जाते और रघुनंदन पीते। 700 रानियों को भगवान ने वही सुख दिया जो महारानी कौशल्या को दिया। और सभी रानियां उतना ही स्नेह करती राम जी से जितना मां कौशल्या को। किसी को ये लगता ही नहीं कि राम मेरे बेटा ने। उन 700 माताओं को वही सुख दिया। और जब राम जी का विवाह हुआ, जानकी जी आई, तो 700 माताओं ने मिल करके जानकी जी का परिछन किया, और फिर सबने जानकी जी को सिखाया, पाल आगन दुल्हनिन सिखावत सरित सात सत माता। पाल आगन दुल्हनिन सिखावत, जैसे घर में दुल्हन आती है तो बड़ी बुजुर्ग जो होती है वो सिखाती है, बेटी इनको भी प्रणाम करिए, ये तुम्हारी फलानी सास है, ये फलानी सास है, ये फलानी सास है। उसी प्रकार 700 माताओं ने मिलकर के जानकी जी को सब परिचय कराया, ये तुम्हारी अमुक माँ है, ये तुम्हारी अमुक माँ है। तो महाराज वो दासी सोचने लगी आज मुझे कैसे दर्शन होंगे। सभी माताएं जग गईं, महारानी कौशल्या जग गईं, केकई जग गईं, सुमित्रा जग गईं, 700 माताएं, लेकिन राम जी का रोना बंद नहीं हुआ। अंत में दशरथ जी की भी नींद खुल गई। दशरथ जी ने पूछा क्या बात है कौशल्य, आज रामलला अर्धरात्रि में क्यों रो? माँ कौशल्या ने कहा पता नहीं क्यों रो रहा है। दशरथ जी ने कहा लाओ मैं चुप करा। दशरथ जी महाराज ने गोद में ले लिया रामलला को और हलराने लगे। राम जी ने देखा अब काम बन जाएगा। राम जी जब माताओं की गोद में रहते हैं तो राम जी अपनी माताओं के वश में रहते हैं, और राम जी जब पिताजी की गोद में रहते हैं तो पिताजी राम जी के बस में रहते हैं। राम जी जो चाहते हैं पिताजी वही करते हैं।
इसलिए राम जी ने सोचा पिताजी की गोद में मैं आ गया हूं, अब मैं जो चाहूंगा वो कर लूंगा। और राम जी रोते रोते इशारा करने लगे आगे की ओर। दशरथ जी ने कहा अच्छा उधर चलें। अब रात्रि में दशरथ जी महाराज राम जी को लेकर के आंगन में आ गए। आंगन के जितने सिपाही संतरी थे सब सावधान हो गए। तब तक राम जी ने फिर आगे इशारा किया, बोले अच्छा और आगे चले। दूसरे आंगन में आए, तीसरे आंगन में आए, चौथे आंगन में, सात आंगन पार करके सप्त प्राकार मध्य, सातों प्राकार सातों परिखाएं पार करके मुख्य द्वार पर भगवान को लेकर के था। मुख्य द्वार पर जब पहुंचे तो भगवान ने कहा, फिर इशारा किया राम जी ने रोते हुए मुख्य द्वार की ओर। मुख्य द्वार के ऊपर जो प्रहरी खड़े थे, पहरा देने वाले प्रहरी लोग थे, उन प्रहरियों ने देखा कि अर्धरात्रि में महाराज यहां पधारे। उन सेवकों ने कहा महाराज क्या आज्ञा है? दशरथ जी ने कहा मेरे बालक की इच्छा है राजद्वार खोला जाए। अर्धरात्रि में राजद्वार खोला गया। सेवक लोगों ने अर्गला उठाई और दरवाजा खोला तो देखते क्या है, सामने एक दासी खड़ी है अर्धरात्रि से ही आकर। उसको देखते ही राम जी किलकारी मार करके हंसने लगे, भगवान का रोना बंद हो गया। अवधेश के द्वार सकार गई सुत गोद के भूपति लय निकसे। अर्धरात्रि से ही वो खड़ी थी जाकर के दरवाजे। सुत गोद के भूपति लय निकसे। दशरथ जी महाराज अपने बालक को लेकर के बाहर आए। अवलोक हो शोक विमोचन को, शोक विमोचन रघुनंदन का दर्शन किया उस दासी ने और ठाकुर जी किलकारी मार करके हंसने लगे। जब हंसने लगे तो दशरथ जी महाराज प्रसन्न हुए। उस भक्ता को दर्शन देने के लिए भगवान चल करके यहां तक आए, ऐसी दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। दशरथ जी ने कहा अरे दासी मांग, क्या चाहिए तुझे? आज तुझे देख करके मेरा लाला प्रसन्न हो गया, हंसने लगा, बोलो क्या चाहिए? हाथी घोड़े पन्ने पोखरा राजे जी, मेरे बालक को तूने प्रसन्न कर दिया, जो मांगो। तो दासी भी बड़ी बुद्धिमान थी। दासी ने सोचा अभी मैं कुछ मांग लूंगी, हीरे पन्ने पोखराज दे करके ये फुर्सत हो जाएंगे, फिर रामलला का मुझे दर्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसी समय मैं महाराज के अंतःपुर में अपना अपॉइंटमेंट करा लूं, मेरी ड्यूटी लग जाए, ये नौकरी मैं इनसे मांग लूं तो सदा सदा मुझे रघुनंदन का दर्शन होगा। दासी ने कहा महाराज मुझे हीरे पन्ने नहीं चाहिए, मुझे तो आप अपने अंतःपुर की कोई सेवा दे दो, मैं आपके अंतःपुर में झाड़ू लगाऊं, बर्तन मांजूं, जिस बहाने आपके लाला का मुझे दर्शन हो। महल टहले मन मानी जू करे कंगना, हाँ महल टहल मन मानी जू करे कंगना, नाले हो महारानी जू करे कंगना, नाले हो महारानी जू करे कंगना। बहुत दिनन से आस लगी आनी जू करी कंगना, हाँ की दिन आनी जू करी कंगना, नाले हो महारानी जू करी कंगना, नाले हो महारानी जू करी कंगना। राम लला की निछावर नहीं हो, राम लला की निछावर नहीं हो, चारों लला की निछावर नहीं हो, चारों लला की निछावर नहीं हो, जो हमरे मन मानी जू करे कंगना, हाँ जो हमरे मन मानी जू करे कंगना, नाले हो महारानी जू करे कंगना, नाले हो महारानी जू करे कंगना।
गले को हारी कौशल्या रानी दीली 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 तब ढाढ़ी ने मुस्कानी जू कर कंगना हाँ तब ढाढ़ी ने मुस्कानी जू कर कंगना लाल हो महारानी जू कर कंगना लाल हो महारानी जू कर कंगना लाल हो महारानी जू कर कंगना रामदास की आस यही है 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 महल टहल मन मानी जू कर कंगना महल टहल मन मानी जू कर कंगना लाल हो महारानी 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 जू कर कंगना हाँ कर कंगना हो कर कंगना बाल लीला कितनी भी कही जाए कम है क्या श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन गोस्वामी जी ने किया बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा अति आनंद दासन कहो अपने भक्तों को भगवान ने परमानंद प्रदान किया। इसके बाद आगे वर्णन करते हैं कि भगवान धीरे धीरे अब बड़े हो गए कुमार हो गए और फिर इनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है और गुरुकुल में पढ़ने के लिए चालू आए जाते हैं। भय कुमार जब ही सब भ्राता भय कुमार जब ही सब भ्राता तीन जने अल्पकाल विद्या सर्वाय भय कुमार जब ही सर्वराता भय कुमार जब ही सर्वराता भय कुमार जब ही सर्वराता दीन जनेऊ गुरु पितु माता पिता गुरु सब ने मिलकर विधि पूर्वक चारों कुमारों का यज्ञोपवीत संस्कार किया। यज्ञोपवीत संस्कार के लिए काल की भी प्रतिबद्धता है, इसीलिए गोस्वामी जी ने पहली ही पंक्ति में कह दिया जब ही कुमार भय कुमार माने वो यज्ञोपवीत की अवस्था आई तो तुरंत जनेऊ हुआ। आज के जैसा नहीं कि 25-25 साल के लड़के हो जाएं और जनेऊ नहीं हुआ। ब्राह्मणों का घोर पतन है हमारा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन वर्ण के लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार का विधान शास्त्र में। ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार अधिकतम 16 वर्ष तक हो जाना चाहिए।
16 वर्ष की अवस्था हो गई और ब्राह्मण के बालक का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ तो वो ब्राह्मण ब्रात्य हो जाता है। ये शब्द नोट कर लेना, उसकी ब्रात्य संज्ञा होती। ब्रात्य का मतलब पतित, उस व्यक्ति को जो अपनी कन्या का दान करेगा उस कन्या प्रदाता पिता को भी दोष लगता, कितना बड़ा अपराध। और ये इतनी बड़ी मूर्खता हमारे समाज में और विशेष करके चार पांच जिला में, इलाहाबाद, फैजाबाद, गोंडा और ये आजमगढ़, अकबरपुर, ये सब क्षेत्र, इस क्षेत्र में इतनी बड़ी मूर्खता ये समाज में व्याप्त हो चुकी है कि ब्याह में यज्ञोपवीत करेंगे। कहते हमारे यहां ब्याह में होता है, किस शास्त्र में लिखा भैया कि विवाह में यज्ञोपवीत होता है, कोई हमको प्रमाण बताओ। विवाह में कहीं भी यज्ञोपवीत का विधान नहीं, यज्ञोपवीत अलग संस्कार है, विवाह संस्कार अलग है। यज्ञोपवीत संस्कार अनिवार्य है, विवाह वैकल्पिक है। विवाह आप न करो चलेगा, साधु बन जाओ जैसे हम लोग ने कहा किसी का, इसका मतलब ये थोड़ी है कि यज्ञोपवीत नहीं है। यज्ञोपवीत संस्कार अनिवार्य संस्कार, विवाह संस्कार के लिए तो विकल्प भी। गृहस्थ जीवन में न जाना चाहे तो विवाह न करे, सन्यासी हो जाए, लेकिन यज्ञोपवीत का विकल्प नहीं। और यज्ञोपवीत संस्कार 16 वर्ष की अवस्था तक ब्राह्मण का हो जाना चाहिए और क्षत्रिय का 20 वर्ष तक और वैश्य का 24 वर्ष। और अगर ब्राह्मण 16 से ज्यादा हो गया उसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ तो वो ब्रात्य। क्षत्रिय का बालक हो और 20 साल से ऊपर उम्र हो गई यज्ञोपवीत नहीं हुआ तो ब्रात्य। वैश्य का बालक है और 24 साल से ऊपर उम्र हो गई उसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ तो ब्रात्य। और उन ब्रात्यों के लिए एकमात्र प्राश्चित्त है शास्त्र में, बस। वो प्राश्चित्त क्या है आपने कभी सुना ही नहीं, उसका नाम है ब्रात्य स्तोम नाम का यज्ञ। ब्रात्य स्तोम नाम का एक यज्ञ होता है, उस यज्ञ को आज के समय में किया जाए तो कम से कम 20 लाख रुपए लगेंगे तब वो यज्ञ होगा। और वो ब्रात्यों के प्राचित्य के लिए होता और उस एक यज्ञ में अधिकतम 17 लोगों का प्राचित्य हो सकता है, 18वें का नहीं, उससे ज्यादा अगर हो गए तो फिर करना पड़ेगा। अधिकतम 17 लोगों का प्राश्चित उस ब्रात्य स्तोम यज्ञ से होता है और एक बार उस यज्ञ को करने में आज के डेट में कम से कम 20 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। हमारे अग्निहोत्री भी बैठे हैं, सब वेद के पंडित हैं आप लोग। आज स्थिति यह है कि ब्राह्मण और क्षत्रियों के कुल में, वैश्यों के कुल में ब्रात्यों की संख्या बढ़ती चली जा रही। ब्रात्य होने के कारण उन्हें किसी भी धर्म कर्म का अधिकार नहीं, इसीलिए धर्म कर्मों का सही फल उन्हें नहीं मिलता, क्योंकि वो कर्म के अधिकारी ही नहीं रहे। और ये दोष उन बच्चों का नहीं है, उनके माता पिता का दोष है कि समय से माता पिता ने उनके संस्कार नहीं किए, तो बच्चों का दोष नहीं। कहते क्या है कि हमारे यहां तो ब्याह में होता है और ब्याह में जनेऊ क्या होता है, बोले विवाह के एक दिन पहले जनेऊ पहन लिए और चले गए ब्याह करके आ गए, न सिर के बाल बने, न वो ब्रह्मचारी बने, न संविधान किया, न वेदारंभ संस्कार हुआ, कोई भी कर्म नहीं हुआ। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि बारात चल पड़ी और कुछ नहीं, वहां पहुंचे तो द्वार पूजा के समय में तो कलश में छुआ करके यज्ञोपवीत 5 लोगों ने मिलकर के पहना दिया, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापते यत्सर्वं। ये पाखंड, ये हमारे सनातन धर्म में पाखंड फैल रहा है, इस पाखंड से आज बचने की जरूरत है। उससे भी बड़ा पाखंड तो ये है कि हमारे यहाँ यज्ञोपवीत विंध्याचल में होता है, हरिराम मैरवा में होता है, अमुक तीर्थ में होता है, और वहाँ क्या नाटक होता है, बोले लेकर के जाइए मंदिर में यज्ञोपवीत छुआ करके पंडा जी पहना देंगे, काम खत्म, जाओ, हो गया। जनता कोई विधि नहीं, कोई शास्त्र के विधान का पालन नहीं होता। ये मूर्खतापूर्ण परंपराएं हमारे समाज में व्याप्त हो चुकी। कुल परंपरा मान्य होती है लेकिन शास्त्र विरुद्ध परंपरा अगर हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए। परंपराओं की हमारे यहां मान्यता है लेकिन शास्त्र विरुद्ध परंपरा अगर कोई चल पड़ी है तो उस परंपरा को तोड़ देने में ही भलाई है हमारा कल्याण। ऐसी परंपराओं को तिलांजलि दे देनी चाहिए। अब
परंपराएं भी कैसे बनती है, बोले बना लेते हैं लोग। किसी के घर में ब्याह हो रहा था, दरवाजे पर बारात आई, दूल्हे का पूजन होने जा रहा था, द्वार पूजन, तब तक सासू अच्छत फेंकने के लिए भीतर से चली, रास्ते में एक बिल्ली जा रही थी, उन्होंने सोचा है बिल्ली रास्ता काट देगी, एक लात मारा बिल्ली को, बिल्ली मर गई, एक कई लात में मर गई, तो सासू रही होगी मोती तक, बिलरिया मर गई महाराज, मार दीन हो मुक्के कसके, मर गई, मर गई तो क्या किया, वो बिल्ली को कहाँ फेंकने जाए, दरवाजे पर बारात लगी, उस बिल्ली को उठाया और ले जा करके घर में रख करके दौरी से तोप दी, दौरी होती ना खचिया दौरी, उसी दौरी से ढक दिया कि बाद में अभी सब ये सब हो जाएगा तो फेंकवाएंगे किसी। उसके घर की जो पहले वाली बहू थी, नई बहू, वो भी एक साल पहले ही आई थी, उसने देखा, उसने न पूछा न विचार किया, वो समझी कि अच्छा दरवाजे पर बारात आवे और दुल्हा के परछन के लिए सास चले तो ये विधि है कि एक बिल्ली को मारो और मार करके खचिया से तोपो और तब जाओ परछन करो, परंपरा चल पड़ी महाराज। अब उनके यहाँ जेकर ब्याह हो तो एक बिल्ली पहले खोजी जाए, बिल्ली ले आओ, बिना बिल्ली मारे विधि कैसे होगी आगे। तो ऐसी मूर्खतापूर्ण विधियाँ जो हैं परंपराओं के नाम पर जब चल पड़ती हैं तो समाज अपने वैदिक मार्ग से भटक जाते हैं। आज हम वैदिक परंपराओं से क्यों भटक गए कि अपनी इन लोक मान्यताओं को ज़्यादा महत्व देकर के वैदिक परंपराओं को हमने छोड़ दिया। तर्क क्या देंगे, बोले हमारे यहाँ यही रीति है, हमारे यहाँ ही कुल रीति। अरे शास्त्र विरुद्ध कोई भी कुल रीति हो तो मान्य नहीं होती, इसलिए समय से यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। ब्रात्य हो जाए बालक तो उस बालक को वेद पढ़ने का भी अधिकार नहीं होता, उसका यज्ञोपवीत अगर होता भी है तो वो किसी कर्म का अधिकारी नहीं होता, इसीलिए आज पतन हो रहा। इस बात को आप समझें, मैं बड़ी ही शक्ति से इस बात को कह रहा हूं कि शायद आपके हृदय में इसकी ठोकर लगे और आप इसे समझो और अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगली पीढ़ी में ऐसा न होने पाओ। 10 वर्ष के बालक हो, 8 वर्ष के बालक हो, उनका जनेऊ कर डालो, और जनेऊ में बहुत बड़ी तैयारी की जरूरत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि सारी दुनिया के रिश्तेदार और नातेदारों को बुलाया जाए, आप 10 लोग परिवार के लोग और कोई विद्वान ब्राह्मण बुला करके विधिपूर्वक उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दो, जिससे उनके अंदर संस्कार का आधान हो, तब वो यज्ञोपवीत पहनना सीखेंगे, तब संध्या वंदन गायत्री मंत्र जप करेंगे, और 28 साल के लड़के का आप जनेऊ करोगे, जनेऊ ले जाकर उतार के खूंटी पर टांग देगा, कोई हो रहा सबके घर, कोई संस्कार नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भये कुमार जब ही संभाल, जब वो कुमार हुए उनके यज्ञोपवीत का काल आया तो दीन जनेऊ गिरुपित हो, माता पिता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद राम जी गुरुकुल में पढ़ने गए, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु जी के घर पढ़ने गए। यज्ञोपवीत संस्कार अध्ययन का ही संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार से ही अध्ययन प्रारंभ होता है। 5 साल के बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराया जाता है, और हमारे यहाँ यज्ञोपवीत की न्यूनतम आयु 5 साल ही कही गई है, 5 वर्ष के बालक का यज्ञोपवीत कर देना, यज्ञोपवीत करने के बाद वो गुरु के यहाँ पढ़ने जाए विद्यालय में प्रवेश, ये पढ़ने का संस्कार है यज्ञोपवीत, इसका नाम है उपनयन संस्कार। उपनयन, उपनयन का मतलब उपमाने समीप में, नयन माने ले जाने वाला, जिस संस्कार के द्वारा हम गुरु के चरणों में पहुंचते हैं उस संस्कार का नाम उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार हुआ और उपनयन संस्कार के बाद चारों भाई गुरुकुल में पढ़ने गए, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु जी के घर पढ़ने गए, गुरु जी उनके घर पे पढ़ाने नहीं आए, गुरु जी के घर पढ़ने राम जी गए। दशरथ जी चाहते तो गुरु जी से कह देते आप रोज यही दरबार में रहते हो, वशिष्ठ जी वहीं रहते थे, राम जी के दरबार, दशरथ जी के दरबार के मुख्य वक्ता थे वशिष्ठ जी महाराज। दशरथ जी कहते कि मेरे बच्चे मेरी आंखों से ओझल न हो, आप इनको यहीं पढ़ा दिया करो, महल के अंदर ही,
तो वशिष्ठ जी मना नहीं करते, लेकिन नहीं, जो परंपरा है शास्त्र की, उस परंपरा के अनुकूल चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ ने अपने चारों पुत्रों को गुरुकुल में पढ़ने के लिए, और गुरुकुल भी दो प्रकार के नहीं थे, एक ही प्रकार का गुरुकुल, समान शिक्षा नीति की व्यवस्था थी, यही धर्म की व्यवस्था। आज के शिक्षाविद लोग कहते हैं सब पढ़ो सब पढ़ो, लेकिन आज की शिक्षा नीति समान शिक्षा नीति नहीं। क्यों? बोले बड़े पैसे वालों के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे, कॉन्वेंट में पढ़ेंगे, आवासीय विद्यालय में पढ़ेंगे, और गरीब के बच्चे किस विद्यालय में पढ़ेंगे? बोले जहां मिड डे मील खाने को मिलेगा और थाली बजाएंगे। कहां है शिक्षा की समानता? शिक्षा की समानता तो ऋषियों के काल में थी कि जिस गुरुकुल में सुदामा जैसे दरिद्र ब्राह्मण पढ़ते थे, उसी गुरुकुल में कृष्ण भी पढ़ते थे। जिस गुरुकुल में साधारण बालक पढ़ते थे, उसी गुरुकुल में चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र भी पढ़ते थे। समान शिक्षा, और शिक्षा निःशुल्क थी, सशुल्क नहीं थी। क्यों? बोले शिक्षा अगर सशुल्क होगी तो शिक्षा सबको नहीं मिलेगी। क्यों? बोले जो शुल्क दे पाएगा वो पढ़ेगा, जिसके पास शुल्क नहीं होगा आज को। और शिक्षा का अधिकार अगर सबको है तो शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, और हमारी भारतीय परंपरा में शिक्षा सदा निःशुल्क थी, कहीं कोई शुल्क नहीं लगता था। गुरुकुल में सभी बच्चे जाएं पढ़ने के लिए, चाहे राजा का बेटा हो चाहे रंग का बेटा, सब पढ़ो। क्या देना पड़ेगा? बोले कुछ देने की जरूरत नहीं, सेवा करो शरीर से बस। राजा का बेटा हो भी गुरुजी के आश्रम में झाड़ू लगाएगा, और रंग का बेटा हो भी झाड़ू लगाएगा। राजा का बेटा होगा वो भी गुरुजी की गाय चराएगा, और जो रंग का बेटा वो भी गुरुजी की गाय चराएगा। सेवा सबके लिए समान होगी, और एक ही गुरुकुल में रह करके सब अध्ययन करो, ये समान शिक्षा, तभी वास्तविक समाजवाद की स्थापना होगी। शिक्षा समाज का रीढ़ है। शिक्षा में अगर असमानता होगी तो शिक्षित लोगों में भी कभी समानता नहीं आ सकती, समान विचारधाराएं कभी नहीं हो सकती, वो असमानता बनी रहेगी। इसीलिए शिक्षा अगर समान हो जाएगी तो अपने आप लोगों का बौद्धिक स्तर सुधर जाएगा, समानता का भाव आएगा, और वास्तविक समाजवाद की स्थापना होगी, वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना। आज भी शिक्षा में समानता न होने के कारण ही, शिक्षित होने के बाद भी, बड़ी बड़ी पदवी पाने के बाद भी लोगों में भेद होता है। अभी दो चार दिन पहले की घटना है, एक पीसीएस थे वो प्रोन्नत होकर के डीएम बन गए, और एक आईएएस जो छोटे पद पर थे लेकिन वो आईएएस परीक्षा पास करके आए। ऐसे कोई चर्चा आ गई, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि हम आईएएस हैं, उससे कैसे फोन से बात करें, भले वो डीएम हो गया, वो हमसे छोटी परीक्षा पास करके आए। इस प्रकार की असमानता का भाव इतना पढ़ने के बाद भी, क्यों? क्योंकि शिक्षा सबके लिए समान नहीं। जब शिक्षा समान होती है, एक ही जगह पर पढ़ते हैं, एक ही प्रकार से पढ़ते हैं, ऊंच नीच का भेद नहीं होता, तब वह शिक्षा समाज में समरसता उत्पन्न करती है, और वह शिक्षा सबके कल्याण के लिए होती है। और दूसरी क्या व्यवस्था थी? बोले गुरुकुल में जाकर के ब्रह्मचारी भीख मांग करके ला करके गुरु जी को दे, और उसमें से गुरु जी जो दे दें वही खा करके वो गुरुकुल में रहे और पढ़े। इसीलिए यज्ञोपवीत संस्कार में ब्रह्मचारी भीख मांगता, वो भीख केवल एक दिन नहीं मांगना होता, जब तक गुरु जी के यहाँ पढ़ो रोज भीख मांग करके गुरु जी को दो ले जाते। यही विधि है, हम लोगों ने ऐसे ही पढ़ा है, हमारे गुरुदेव का यही नियम था कि पलाश दंड लेकर के मूज की मेखला पहन करके बिना चप्पल जूता पहने सिला कपड़ा नहीं पहनना है, इस प्रकार गुरु जी के साथ रहें तब गुरु जी वेद पढ़ाते थे। 12 वर्ष इसी प्रकार रहना पड़ा, और रोज नियम से 5 घर 7 घर भिक्षा मांगनी पड़ती, विधि थी, और वो भिक्षा मांग करके गुरु जी को निवेदन करना, और उसमें से जो गुरु जी दे दें उसे लेकर के खा करके पढ़ो। राजा का बेटा हो अभी भीख मांगेगा, उसको भी भीख मांगना, राम जी ने भी भीख मांगा है, भिक्षाम दे, क्यों?
बोले जब भीख मांग करके विद्यार्थी पढ़ेगा उसके मन में ये भाव आएगा कि समाज की रोटी खा करके मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए मेरा ज्ञान समाज के कल्याण के लिए। और जब बाप की संपत्ति से पढ़ेगा तब उसके अंदर ये भाव होगा कि मेरे बाप ने खेत बेचकर माँ के गहने को रेहन रख करके मुझे इंजीनियर और डॉक्टर बनाया, उसके अंदर समाज कल्याण की भावना नहीं होगी, उसके अंदर तो ये भावना होगी कि मेरे बाप ने जितना खर्चा किया है उतना हम खून चूस करके समाज से निकाल, उतना जब तक हम समाज से चूस न लें उसकी रिकवरी न हो जाए तब तक पढ़ने का क्या फल। ये भावना का अंतर, समाज की रोटी खा करके भीख की रोटी खा करके जब लोग पढ़ते थे तो जगत गुरु बनते थे। भगवान श्री राम ने भिक्षा मांग करके गुरु के चरणों में बैठ करके पढ़ा तो भगवान श्री राम जगत गुरु हुए। जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। कृष्ण भगवान ने भिक्षा मांग करके गुरुकुल में पढ़ा, कृष्णम वंदे जगत गुरु, यही भारत का जगत गुरुत्व। आज भी भीख मांग करके पढ़ने वाले ही जगत गुरु बनते हैं, आज भी वही परंपरा है हमारे समाज में, चाहे वो जगत गुरु शंकराचार्य हो, चाहे जगत गुरु भगवान रामानंदाचार्य हो, चाहे जगत गुरु निम्बारकाचार्य हो, किसी भी संप्रदाय के जगत गुरु महापुरुष हो, भीख मांग करके आश्रम में रहकर गुरु की सेवा करके पढ़ते हैं, वही उस पद को प्राप्त आदमी। तो गुरुकुल में जाकर के गुरु की सेवा करके वेदादि शास्त्र का अध्ययन करना, यही हमारा सनातन धर्म। भगवान राम भी गुरुकुल में गए, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल में समस्त विद्याएं आ गई। वास्तव में विद्याएं स्वयं पात्र को ढूंढती, हमारे अंदर पात्रता सृजित हो जाए तो विद्या तो आने को तैयार बैठी है, लेकिन हम अपने अंदर पात्रता का निर्माण करें। पुराणों में कहा गया विद्या ब्राह्मण माजगाम, समस्त विद्याएं ब्राह्मणों के सम्मुख आकर के खड़ी हो गई, बोले हमें स्वीकार कर लो, तुम अपने अंदर पात्रता का निर्माण करो, मैं आने को तैयार बैठी हूं, लेकिन एक काम करना, किसी अनधिकारी को मत देना। क्यों? बोले अनधिकारी अगर मुझे पा गया तो मेरी दुर्दशा कर देगा। विभेद अल्पत श्रुतात वेदो मामयम प्रतिरिष्यति। अल्पश्रुत व्यक्ति जिसने थोड़ा सुना है, थोड़ा समझा है, गंभीरता से ज्ञान प्राप्त नहीं किया, वो व्यक्ति वेद शास्त्र की धज्जी उड़ा देगा, उसका मनमाना अर्थ करेगा। इसलिए विद्या ने कहा कि किसी अल्पश्रुत को मत देना, जो बहुत सेवा करे श्रद्धा से पढ़े उसकी परीक्षा लेकर के तब उसे ज्ञान प्रदान करना। तो इस परंपरा से जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है तो समस्त विद्याएं आकर के उसके मन में प्रतिष्ठित हो जाती है और वो विद्या सदा नव नवायमान बनी रहती है। ये नहीं कि वो नष्ट हो जाती भूल जाती है, यही भारतीय विद्या की परंपरा है। भारतीय विद्याओं में विद्यार्थी जब पढ़ता है उस समय उसका जो ज्ञान होता है आगे चल करके वो उससे भी कहीं ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेते, उत्तरोत्तर वो विद्या वृद्धि को प्राप्त करती है, यही विशेषता है इस विद्या की। अल्पकाल में समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया भगवान श्री राम ने, गुरुगृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब। अब ये तो व्यवहारिक बातें हैं, अब पारमार्थिक बात कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास। पारमार्थिक बात क्या है? कहते हैं भगवान को क्या पढ़ना है और भगवान को कौन पढ़ाएगा। भगवान समस्त विद्या के स्वरूप हैं, उनको कोई क्या पढ़ाएगा। जो चारों वेदों का ज्ञान अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा को देते हैं, एक बात और समझ लेना, वेद जो ज्ञान का मूल है, वेदो खिलो धर्म मूलम, धर्म का जो मूल है वेद, वो वेद किसी की रचना नहीं है, वेद को किसी ने नहीं बनाया। आजकल के मूर्ख इतिहासकार लिखते हैं कि ईसा से इतने वर्ष पहले ऋग्वेद लिखा गया, इतने वर्ष पहले ये लिखा गया, ये सब काल्पनिक बातें। वेद कभी लिखा ही नहीं गया। वेद के विषय में हमारी सनातन मान्यता है कि वेद अनादि और नित्य हैं, ये सदा से हैं,
स्वयं भगवान ने भी वेद को नहीं लिखा है, ब्रह्मा की तो बात ही छोड़ो, वेद अभ्यास ने भी वेद को नहीं लिखा। वेद अभ्यास तो केवल वेद के व्याख्याता हैं, उसका व्याख्यान करते हैं पुराणों के रूप में, इसलिए उनको वेद अभ्यास कहा जाता है। वेद को न ब्रह्मा ने लिखा, न वेद अभ्यास ने लिखा, न भगवान ने लिखा। बोले वेद आए कहां से? बोले अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब होता है जो किसी पुरुष की रचना न हो। वेद अपौरुषेय है। और कब से है? बोले सनातन है। बोले कब से है? बोले जब से भगवान है तब से वेद है। बोले भगवान कब से है? बोले जब से वेद है तब से भगवान है, और जब से भगवान है तब से वेद। वेद और भगवान दोनों सनातन है। और दोनों कौन है? बोले दोनों परमात्मा ही है, एक ही के दो रूप है। वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरिति सुश्रुमा, भागवत में कहते हैं वेदो नारायण साक्षात स्वयं भगवान। वेद ही नारायण है और नारायण ही वेद है। ब्रह्म ही जब शब्द ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है तो वही वेद है, अक्षर ब्रह्म, शब्द ब्रह्म। और वेद और परमात्मा दोनों अनादि और नित्य हैं। इसीलिए भागवत के प्रथम श्लोक में मंगलाचरण में ही वेद अभ्यास जी लिखते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान अपने संकल्प से ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान करते हैं। ब्रह्मा वेद बनाते नहीं, ब्रह्मा को भी वेद का ज्ञान भगवान देते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया। तो वेद जो है सनातन अनादि हैं, वेदों का कोई रचयिता नहीं है, और वेद धर्म में परम प्रमाण है, और वेद जो कहते हैं वही धर्म है। इसीलिए दुनिया में धर्म एक ही है, सनातन धर्म, बाकी सब पंथ हैं। कुरान जो कहे वो धर्म नहीं है, बाइबिल जो कहे वो धर्म नहीं है, वो पंथ है। धर्म तो एकमात्र सनातन है, वेदात धर्मो ही निर्भव। धर्म दो नहीं होता, धर्म सदा एक ही होता है। आज लोग कहते हैं महाराज दुनिया में बहुत से धर्म हैं। बोले तुम कहने वाले मूर्ख, धर्म कई हो ही नहीं सकते, धर्म सदा एक होता है, दो हो नहीं सकता। जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, तो अग्नि जलाएगी ही, दूसरा काम नहीं करेगी। अग्नि ये कहो कि ठंडा कर दे, ठंडा नहीं करेगी। अग्नि हवा देने लग जाए, बोले अग्नि हवा भी नहीं देगी। अग्नि मीठी लगने लग जाए, बोले उसका न मीठा धर्म है, न वायु तो धर्म है, न उसके अंदर शीतत्व धर्म है, उसका एक ही धर्म है जला देना। उसी प्रकार धर्म एक होता, धर्म दो नहीं होता, हर वस्तु का एक धर्म। तो धर्म सनातन धर्म वेद प्रतिपाद्य, वेद प्रणहितो धर्मो, वेद जो कहता है वही धर्म है। यह धर्मस्तद विपर्ययः, और वेदों के विपरीत जो है वो अधर्म है। और वो वेद क्या है? बोले भगवान का श्वास है। ये वेद क्या है? बोले भगवान की श्वास है। यस्य निश्वसितं वेदाः, आचार्य सायण लिखते हैं कि ये वेद क्या है? बोले परमात्मा का श्वास है चारों वेद। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी यहां चौपाई में कहते हैं, जाति सहज श्वास श्रुति चारी। ये चारों श्रुतियां, चारों वेद उस परमात्मा के श्वास भूत है। जाति सहज श्वास श्रुति चारी, और सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। वो भगवान वेद पढ़ रहे हैं। क्या है? बोले कौतुक है, लीला है भगवान की। भगवान क्या वेद पढ़ेंगे? वेद जिनका श्वास है। क्यों? बोले श्वास से हमारी सत्ता है और हमसे श्वास की सत्ता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप। आपसे कोई पूछे कि आपकी श्वास कब से है, तो आप कहेंगे जब से हम हैं तब से हमारी श्वास है। तो कोई पूछे आप कब से हैं, तो आप कहेंगे जब से हमारी सांस है तब से हम हैं। जब से हम हैं तब से हमारी सांस है, और जब से हमारी सांस है तब से हम हैं। सांस नहीं रहेगी तो हम नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे तो सांस नहीं रहेगी। उसी प्रकार जब से भगवान है तब से वेद है, और जब से वेद है तब से भगवान है। और वेद भगवान के श्वास भूत है। यस्य निश्वसितं वेदाः, इस बात को जब आप समझेंगे तभी वेद प्रतिपाद्य धर्म को आप ठीक ठीक हृदयंगम कर पाएंगे। आज लोग पढ़ लेते हैं वेद में ऐसा लिखा, इतिहासकार कहते इतना पहले वेद लिखा गया, तो समीक्षक लोग कहते महाराज वैदिक काल में ये धर्म था, उस काल की वो परिस्थितियां थी, इसलिए इस काल में ये लागू नहीं होता। बंधुओं, भगवान भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले, उन्होंने वेदों में जिन धर्मों का प्रतिपादन किया वो सार्वकालिक हैं, किसी एक काल के लिए।
वेद त्रेता युग में, सतयुग में, द्वापर में प्रासंगिक थे, आज कलयुग में प्रासंगिक नहीं है, ऐसा कहने वाला व्यक्ति अज्ञ है, मूर्ख है। वैदिक धर्म सदा प्रासंगिक है, आज भी प्रासंगिक है और आगे भी रहेगा, और कभी भी कालक्रम से उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। लोग कहते हैं महाराज उस समय वो था, आज नियम में कुछ परिवर्तन की जरूरत है, कुछ परिवर्तन हो जाना चाहिए, उस समय वो नियम थे, आज वो नियम संभव नहीं है। बोले अगर तुम परिवर्तन करोगे तो आने वाले दिनों में और परिवर्तन होगा, फिर आगे और परिवर्तन होगा, धर्म का मूल स्वरूप ही खत्म हो जाएगा। इसलिए धर्म परिवर्तनशील भी नहीं, जो है वही। और भगवान का श्वास भूत चारों वेद, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। भगवान गुरुकुल में पढ़ने गए और पढ़ करके समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया, लौट करके गुरुकुल से अयोध्या आ गए। कुल महाराज 64 दिन में समस्त विद्याओं को भगवान ने प्राप्त कर लिया, 64 दिनों में समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया, और सारी विद्याएं 64 कलाएं सीख करके भगवान चले आए, और फिर अयोध्या में रह करके पिता के राज्य कार्य में सहयोग करने लगे। अवस्था राम जी की 12 वर्ष की है, 12 वर्ष के ठाकुर जी हो गए, और दशरथ जी को अब चिंता हो गई कि मेरे बेटे का ब्याह कैसे होगा। चिंतयामास धर्मात्मा तेषां दारक्रियां प्रति, अपने पुत्रों के विवाह की चिंता हो गई दशरथ जी, मेरे बेटे बड़े हो गए, पढ़ करके गुरुकुल से आ गए, अब इनका विवाह होना चाहिए। दशरथ जी को चिंता हुई, और उसी समय विश्वामित्र जी को चिंता हुई। गाधि तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी को चिंता हुई कि असुर हमें यज्ञ करने नहीं दे रहे, बिना भगवान के इन असुरों का संहार नहीं होगा, तो क्यों न मैं अयोध्या चल करके राम जी को लेकर के आऊं। एहू मिस देखूं पद जाई, कर विनती आनो दो भाई, इस बहाने भी मैं अयोध्या जाकर के राम जी का दर्शन कर लूं और दोनों भाइयों को लेकर के आऊं। ये सोच करके विश्वामित्र जी महाराज वहां से चल पड़े। करत मनोरथ, विविध मनोरथ करते हुए विश्वामित्र जी अयोध्या पहुंच गए। जात लाग नहीं पार, करी मज्जन सरयू जल गयो भूप दरबार। विश्वामित्र जी राम जी के दरबार, दशरथ जी के दरबार में पहुंच गए। अब एक बात कहकर के मैं वाणी को विराम दूंगा, समय हो चुका है। दशरथ जी महाराज जब अपने मंत्रियों के बीच में बैठ करके चर्चा कर रहे थे कि मेरे बेटे का ब्याह कैसे होगा, कुछ सोचो, देर हो रही है। चिंतयामास धर्मात्मा तेषां दारक्रियां प्रति, सोपाध्यायस्य बांधव, अपने उपाध्याय बंधु बांधव के बीच में, गुरुजनों के बीच में दशरथ जी ने अपनी चिंता को रखा कि मेरे बेटों का ब्याह कैसे हो। और उसी श्लोक के आगे वाली पंक्ति में विश्वामित्र जी के आगमन का वर्णन महर्षि वाल्मीकि करते हैं। अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि, उसी समय महामुनि विश्वामित्र जी अयोध्या पहुंच गए। विश्वामित्र जी पहुंच गए, दशरथ जी ने उनका स्वागत किया, करि दंडवत मुनि ही सन्मानी, निज आसन बैठारे ने आनी, चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम धन्य आज नहीं दूजा, विविध भांति भोजन करवावा, अनेक प्रकार के सुंदर सुस्वाद व्यंजन भोजन कराए, और फिर अपने चारों कुमारों को विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम कराया। पुनि चरणन मेले सुतचारी, चारों पुत्रों ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। राम देख मुनि देह विसारी, विश्वामित्र जी ने राम जी को देखा तो देखते ही, और फिर विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से अपने मनोभाव को कहा। फिर बड़ी लंबी वार्ता हुई, और बाद में वशिष्ठ जी के कहने पर दशरथ जी महाराज राजी हो गए, और राजी खुशी से उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को विश्वामित्र जी के साथ विदा करने की अनुमति दे दी। लेकिन विदा नहीं हुए, विदा तो दूसरे दिन होंगे, क्योंकि अब रात हो गई है, आज विदा करना ठीक नहीं है, कल सवेरे विश्वामित्र जी के साथ भगवान जनकपुर की यात्रा पर जाएंगे। तो आज इतना ही कह करके वाणी को विराम। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, अखंड भारत वर्ष की जय, जय जय सीता, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे।
जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे अवध के दुलारे कौशल्या जी के प्यारे 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 जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे 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 अवध के दुलारे श्री दशरथ जी के प्यारे अवध के दुलारे श्री दशरथ जी के प्यारे जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे जानकी वल्लभ लाल की सखी आरती कीजे जानकी वल्लभ लाल की सखी आरती कीजे सुंदर बदन बिलोक के नैनन पल लीजे सुंदर बदन बिलोक के नैनन पल लीजे सुंदर ललित कपोल ना छुटी अलक विराजे सुंदर ललित कपोल ना छुटी अलक विराजे कंठ कंठ सुहावनो गज मुक्ताराजे कंठ कंठ सुहावनो गज मुक्ताराजे जानकी वल्लभ लाल की सखी आरती कीजे जानकी वल्लभ लाल की सखी आरती कीजे सुंदर बदन बिलोक के नैनन पल लीजे सुंदर बदन बिलोक के नैनन पल लीजे पाग बनी जड़तार की दुपटा दुतिकारी पाग बनी जड़तार की दुपटा दुतिकारी पटुका है पचरंग की मणि जड़ित किनारी पटुका है पचरंग की मणि जड़ित किनारी जाल की बल्लभ लाल की सखी आरती की जान की बल्लभ लाल की सखी आरती की रे सुंदर बदन बिलोक के नैनन पल लीजे सुंदर बदन बिलोक के नैनन पल लीजे सिया जुग सोहे लाल चूनरी शोभा अति न्यारी सिया जुग सोहे लाल चूनरी रसिक अली की स्वामिनी निरखत छवि भारी रसिक अली की स्वामिनी निरखत छवि भारी जानकी वल्लभ लाल की छवि आरती की जानकी वल्लभ लाल की सखी आरती की सुंदर बदन बिलोक के नैनन पल लीजे सुंदर बदन बिलोक के नैनन पल लीजे जानकी वल्लभ लाल की सखी आरती कीजे जानकी वल्लभ लाल की सखी आरती की सखी आरती कीजे सखी आरती 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 समर्पयामि जलेन सीते।